अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा वीडियो है। एक और वीडियो ज़िशान अयूब साहब की आई है, जिसमें ज़िशान अयूब साहब और द्विवेदी साहब ये दोनों सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो ये डिस्कशन काफ़ी रिलेटेड है पिछले डिस्कशन से, क्योंकि पिछले डिस्कशन में उन्होंने उन मुसलमानों के बारे में बात की थी जो कि इस्लाम को अपने प्योर फॉर्म में फॉलो करना चाहते हैं, जैसा कि कुरान और सुन्नत में बताया गया है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने स्टीरियोटाइप किया है कि वो लोग सऊदी वर्जन ऑफ़ इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई सऊदी वर्जन ऑफ़ इस्लाम नहीं है, इस्लाम एक ही है जो कि कुरान और सुन्नत में बताया गया है। और हर एक कंट्री में, हर एक रीजन में इस्लाम लोकल कल्चर और प्रैक्टिस से इन्फ्लुएंस हुआ है। तो उस प्रैक्टिस की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने उन प्रैक्टिसेस को रिलीजन का हिस्सा समझ लिया। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो कल्चरल प्रैक्टिस है वो कल्चरल प्रैक्टिस हैं स्पेसिफिक टू अ कंट्री रीजन। कुछ ऐसी प्रैक्टिस जो इंडिया में हैं, कुछ मलेशिया में हैं, कुछ इंडोनेशिया में हैं, कुछ और जगह पे हैं, लेकिन हम उसको रिलीजन का पार्ट नहीं कहते हैं। और रिलीजन वही है जो कि कुरान और सुन्नत में बताया गया है। तो इस चीज़ को मैंने एक रिकैप के तौर पे आपको बताया है। अब हम देखते हैं कि वो आगे द्विवेदी साहब क्या क्या पॉइंट रख रहे हैं और हम उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले कि मैं आपको द्विवेदी साहब के इंटरव्यू के बारे में बात करूं, मैं कुछ और क्लिप्स हैं जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर मैं बात करना चाहूँगा। इसमें एक क्लिप जो है एक इंटरव्यू है बरखा दत्त की, उसके कुछ बाइट्स हैं जिस पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखूँगा, जो कि हम आई थिंक बेनिफिशियल होगा सब लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। नो हैज सेड दैट मुस्लिम इज अ पर्सन हु सबमिट्स विल टू गॉड, सो यू कैन नॉट से लिबरल मुस्लिम और अ मॉडरेट मुस्लिम, यू कैन से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और पार्टली प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग, दैट्स मोर करेक्ट, यू नो। एंड टू अंडरस्टैंड इस्लाम, डोंट लुक एट द मुस्लिम, डोंट लुक एट मी, गो टू द स्क्रिप्चर्स, दैट इज द रीजन आई गिव टॉक्स ऑन इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन। बट एज़ फार एज़ द स्टीरियोटाइप इज़ कंसर्न्ड, आई फाइंड दैट टू नैरो डेफिनेशन ऑफ इस्लाम। आई पर्सनली रिजेक्ट ऑल रिचुअल्स, बट इस्लाम इज पार्ट ऑफ माई कल्चर एंड माई ethos. आई एम एज प्राउड अ मुस्लिम एज एनीबडी एल्स ऑन दिस पोडियम। देखिए, जैसा कि यहाँ पे कबीर ने कहा कि जो डेफिनेशन है इस्लाम की, के इस्लाम की तो बाद में बात करेंगे, पहले मुसलमान की, तो एक मुसलमान कौन है। तो मुसलमान के बारे में जो कहा गया है कुरान शरीफ के अंदर, खुद अल्लाह ताला ने जो कहा है, जो इस क्रिएटर है दुनिया का बनाने वाला और जिसने ये कुरान नाजिल करी है, तो अगर हम किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो उसकी जो डेफिनेशन है हम उस रिलीजन से ही लेंगे। अगर हम कोई डेफिनेशन खुद से बना रहे हैं तो ये हमारी एक नई रिलीजन बन जाएगी, है ना। जैसे कबीर साहब ने कहा कि ये एक बहुत ही नैरो डेफिनेशन है इस्लाम की, जैसे कि एक इंसान जो कि अपनी ख्वाहिशात को एक क्रिएटर के ख्वाहिश के आगे रख देता है, सजदा उसी को कहते हैं, आपने सजदा रेज हो गए, आपने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की ख्वाहिश के आगे रख दिया। मतलब अगर वहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है तो आप देखेंगे कि अल्लाह क्या कह रहा है तो हम उस बात को मानेंगे। यही एक मुसलमान है, मुसलमान वो है द वन हु सबमिट्स हिज विल टू द विल ऑफ गॉड, ये इसको मुसलमान कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये एक बहुत ही नैरो डेफिनेशन है इस्लाम की, तो आप चैलेंज कर रहे हैं खुदा को, क्योंकि उसने खुद ये डेफिनेशन दी है। ये एक डेफिनेशन मैंने, आपने, डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने या किसी मुसलमान ने नहीं बनाई है, ये हमारी आपकी बनाई हुई डेफिनेशन नहीं है। तो अगर आप कहते हैं कि ये डेफिनेशन गलत है तो आप उसको करें। और यही चीज़ें, यही प्रॉब्लम है जो सेलिब्रिटीज़ हैं और जो आम लोग हैं जो कि रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं और वो कल्चरल प्रैक्टिस को रिलीजन कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं सारे रिचुअल को रिजेक्ट करता हूँ। अब इस्लाम में नमाज एक रिचुअल है, नमाज जो है इस्लाम और कुफ्र कहते हैं कि डिसबिलीव और बिलीफ के बीच का बैरियर है, दीवार कहते हैं। तो अगर आप ओपनली नमाज नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई मैं इस रिचुअल को रिजेक्ट करता हूँ, और आप कहते हैं कि इस्लाम का जो मतलब है कि सबमिटिंग योर विल टू द विल ऑफ गॉड, ये भी गलत है, तो फिर आप तो मुसलमान हैं नहीं। तो आप ये कहिए कि आई एम नॉट अ मुस्लिम बट आई वॉज बॉर्न इन द मुस्लिम फैमिली बट आई एम नॉट अ मुस्लिम, आपको ये कहना चाहिए। और आपको ये नहीं कहना चाहिए कि यू शुड नॉट टॉक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इस्लाम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू आर अ मुस्लिम। आपको ये कहना चाहिए कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, अब मैं इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये सेंस बनता है।
यहाँ पे जो स्टैंड है शाहरुख खान का, वही मैं एक्सप्लेन करूँगा, वो ज़्यादा अच्छा स्टैंड है। मुझे नहीं लगता कि कबीर साहब ने सही बात करी है यहाँ पे। कभी हर एक इंसान जो बात करता है सही गलत होता है इन एक रेफरेंस फ्रेम में, वो किस फ्रेम से बात कर रहा है, वो कैसे बात कर रहा है। तो अगर उसने खुद से अपने से एक इस्लाम और मुसलमानों की डेफिनेशन बनाई है ना, तो द होली रिलीजन ऑफ मिस्टर कबीर खान साहब, तो उनके लिए ये डेफिनेशन सही है। लेकिन जहाँ तक कुरान शरीफ की बात है, अल्लाह तबारक ताला ने जो बातें कही हैं उसके हिसाब से वो गलत कह रहे हैं। फिर वो एक बात है कि आप ये आप क्या पिक एंड चूज़ करेंगे, है ना, आप कबीर खान साहब का इस्लाम चूज़ करते हैं या उस वो इस्लाम चूज़ करते हैं जो कि खुदा ने खुद बताया है। I just want to say one thing that you know, I just want to know very clearly, and I'm a Muslim, and I want to know, is it more important for me to look Muslim and see Muslim or to feel Muslim? I fully respect the scriptures, I fully respect all the hadiths, I have read the Quran in my own way, in Arabic and in English, but I think its time has come, and this genuinely is an appeal, that it is more important to feel Muslim. Than to look it. And if you do, I mean, if you do, it's absolutely cool. And if you don't, it's absolutely cool. Doctor, I respond to that, and I got two guests waiting to speak. I think the best is to practice Muslim, absolutely. Number one. Yes. Appearing is important, but lower down. I'm not saying appearing is the most important. For a person to practice Islam is more important. Beard comes lower down. Beard is not in the 70 major sins that it's not there. But मतलब यहाँ पे जो शाहरुख खान साहब का कमेंट है कि it's more important for us to feel the religion which we subscribe to, जैसे कि to feel the Muslim or to feel the Hindu. अभी तो feeling है, ये आती है कि आप उस चीज़ को, उसमें क्या चीज़ को follow कर रहे हैं। जहाँ तक basic human values की बात है, universal human values की बात है, वो सारे religion में लगभग same है, with an exception of few. जैसे कि अगर आप caste system की बात करते हैं तो वो गलत है, हालांकि वो मनुस्मृति का पार्ट है, लेकिन जो है उस चीज़ को मुझे नहीं लगता कोई इंडोर्स करना, कोई एक सेन पर्सन इंडोर्स करेगा। तो जो फीलिंग है वो आपकी आती है कि आप क्या बिलीव करते हैं, वहाँ से फीलिंग आती है। तो पहले बिलीफ को करेक्ट करना सही है। जैसे कबीर खान ने कहा कि मैं रिचुअल्स को जो है फॉलो नहीं करता हूँ, डिनाई करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप नमाज को डिनाई करते हैं तो फिर वो आप फिर इस्लाम के दायरे से बाहर हैं, है ना, फिर आप मुसलमान नहीं हैं। तो उसके बावजूद अपने आप को मुसलमान फील कर रहे हैं तो ये कहते हैं खुशफहमी की बात है, है ना। हो सकता है कि अल्लाह मतलब गफ़ुरुर रहीम है, 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, हो सकता है कि उसकी रहमत का कोई उसकी रहमत की कोई बाउंड्री नहीं है, अल्लाह माफ़ कर देता है हर चीज़ों को, शिर्क के अलावा बाकी सारी चीज़ें माफ़ कर देगा अल्लाह। लेकिन ये कहना कि इससे हम एक अच्छी हम इस्लाम पर चल रहे हैं, तो ये गलत बात है। इस्लाम पे चलने का जो तरीका है वो कुरान में और हदीस के अंदर है, और उसके अलावा अगर आपने कोई भी तरीका नया इन्वेंट किया है तो वो जो है वो आपको दूसरे रास्ते में ले जाएगा। एवरी जॉब, आई वोंट कॉल इट अ जॉब, बट वेदर इट्स अ रिलीजन, वेदर इट्स एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, स्पेशलिस्ट्स हैव टू बी देयर, एंड आई ट्रूली बिलीव द क्लर्जी, द उलेमास, द मुल्लास, दे ऑल दी स्पेशलिस्ट। You don't think they're the fringes as No, I don't think so. I don't think you cannot even, I don't think you can ignore them. Yeah. I just think it's very important that this whole culture for every religion, the guys who know it the best need to be there. We need to understand, maybe more than we need to understand, they need to explain it in a way which is understandable. इस क्लिप में आप बहुत शार्प कंट्रास्ट देखेंगे। जो ज़ीशान अय्यूब साहब हैं वो जितनी भी रिलीजियस मतलब स्कॉलर्स हैं उसको एक कैटेगरी में खड़ा कर दे रहे हैं कि इनकी वजह से जो है मुस्लिम्स प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शाहरुख खान का कमेंट बहुत ही वैलिड है और सेंसेबल कमेंट है। उन्होंने कहा है कि जैसे हर एक फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं तो वहाँ पे रिलीजियस टीचिंग्स को समझाने के लिए भी स्पेशलिस्ट होने ज़रूरी है। वो इस बात को समझते हैं एक्चुअली कि स्पेशलिस्ट होना कितनी ज़रूरी चीज़ है। जैसे कुरान शरीफ है उसमें जो कुरान नाजिल हुआ है उसकी क्रोनोलॉजी को समझना वो ज़रूरी है, जो कि आम मुसलमान इससे बहुत ज़्यादा तरीके से वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि मैच्योरिटी की वजह से आती है। इस चीज़ में मैं देखता हूँ कि शाहरुख खान साहब ज़्यादा मैच्योर हैं इन ज़ीशान अय्यूब साहब के मुकाबले में। तो ये ज़ीशान अय्यूब साहब को भी मुझे लगता है कि अगर वो इस वीडियो को देखेंगे
तो उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज स्वीपिंग कमेंट नहीं देना चाहिए, और जब हम कोई जनरलाइज बातें कर रहे हैं तो वो ऐसी बातें होनी चाहिए जो कि बैक्ड विथ सम डेटा होना चाहिए, आपके पास उसका कुछ सबूत होना चाहिए, डेटा होना चाहिए जिसकी वजह से आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, है ना, जिसको लेके आप उसको एक्सप्लेन करेंगे. I personally feel as a Muslim, I'd like to tell every Muslim that if you don't know your religion well enough, if you're not able to practice it well enough, if your knowledge is less, Allah Ta'ala aapko maaf kar denge. Lekin being a Muslim, if you're not able to explain your religion to the other people who are not understanding it, ye duniya aapko maaf nahi karegi. You need to be very, very clear that we cannot take this stand ki agar aap samajhte nahi mat samjho main to ladunga. Nahi, acceptance of this and explaining is what I think in the long run will sort out the problem. Yes, ye bahut hi important baat hai ki aap jis cheez ko follow kar rahe hain aap us cheez ko explain kar paye, aur shayad main usi cheez ki koshish kar raha hu. Aur explain aap kab karenge jab aap us cheez ko padhenge aur samjhenge, aur iska aur koi dusra tarika nahi hai, koi shortcut nahi hai koi. Aur अगर आप ये समझते हैं कि आप सिर्फ कुछ YouTube वीडियोस को देख के आप समझ हासिल कर लेंगे, ये भी गलत है. आपको जो लॉन्ग पाथ है वो तय करना पड़ेगा. हो सकता है आपको इसका मौका ना मिले या आपके पास टाइम नहीं है, तो जितना भी टाइम मिले उसमें उस चीज़ को समझना चाहिए और करना चाहिए. और ज़ीशान अय्यूब साहब की जो पूरी इंटरव्यू का क्रक्स है, मैंने देखा है जो दो इंटरव्यू मैंने एनालाइज़ किया, उसमें यही है कि उनकी जो बातें हैं और जो उनका ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर है. मतलब मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखता है एक नॉन मुस्लिम में और ज़ीशान अय्यूब साहब में उनकी इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग को लेके. इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग एक नॉन मुस्लिम जो कि सिर्फ मीडिया और मुसलमानों को देख के और सिचुएशन को देख के बनाते हैं, वही है जो ज़ीशान अय्यूब साहब ने जो एक्सप्लेन किया है. इस वीडियो पर डिस्कशन करने से पहले मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा. ये बुक द डिवाइन रियलिटी है. बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको पढ़ सकते हैं. इस बुक के बारे में ख़ास बात यह है कि जो लोग साइंटिफिक मेथड्स और जो रेशनल अप्रोच है जो कि साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू हम यूज़ करते हैं, अगर उसी को एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं और रिलीजन को एक ऐसी चीज़ देखते हैं जो कि अनसाइंटिफिक है या नॉन रेशनल है, तो उन लोगों को के लिए ये बुक लिखी गई है. खासकर ये बुक सबके लिए लिखी गई है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जो साइंटिफिक फ़िलोसफी है और जो रिलीजियस फ़िलोसफी है इन दोनों में कोई कोहेरेंस नहीं है, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं. इनके राइटर हैं हमज़ा जॉर्जिस साहब, और ये इंग्लिश में है, तो एक्चुअली इसकी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है. लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जो लोग सिर्फ साइंस को एक सोर्स ऑफ ट्रुथ मानते हैं, उनको अंग्रेज़ी लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि जो है अंग्रेज़ी लैंग्वेज ही है जिसमें ज़्यादातर चीज़ें साइंटिफिक चीज़ें बताई गई हैं, तो मुझे लगता है कि उनको प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इंशाल्लाह इस बुक को आप ख़रीदें, और या अगर कहीं मिलती है तो उसको पढ़ने की कोशिश करें, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा. और आपको जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, सिर्फ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं, एक थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपको समझने में मदद मिलेगी कि आखिर लोग गॉड में यकीन क्यों करते हैं और इसके पीछे उनके रीजंस क्या हैं. ज़ीशान, हम लोग वहाबिज्म पे बात कर रहे थे और आप बहुत सारे उदाहरण समझा रहे थे. ये हम लोग समस्याओं पे बहुत बात कर रहे हैं. अगर इसी एक चीज़ के हम समाधान की बात करें, जैसे मैं अपने तई एक तो एक बार मैं AMU में बोलने गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा कि आप टॉपिक सिलेक्ट करिए. तो मैंने कहा कि मैं शकूर चचा के हंडों पर बात करूंगा. तो मेरे गांव में शकूर चचा थे, वो रोशनी के हंडे तैयार करते थे, लेकिन शकूर चचा के बच्चे पढ़े नहीं, तो जो इल्म की तालीम की रोशनी होती वो नहीं मिली. तो उनके जो मेरी एज के बच्चे हैं वो आज भी गाँव में हैं, रोज़गार कर रहे हैं. तो मुझे लगा कि ये ज्ञान का हंडा जलाना बड़ा ज़रूरी है. तो AMU में हम बोल के आए ये चीज़ कि भैया हम भी, आप चाहोगे तो हम इनकी बुराई कर देंगे, उनकी फलाने आपके निज़ाम बुरे हैं ये वो, पर मसला ये है कि सुधार कहाँ से शुरू हो, आपके हिसाब से ये सुधार कैसे शुरू हो सकता है, हु कैन बी द रोल मॉडल. मतलब ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी एक पार्लियामेंटेरियन है, एक जगह से चुन के आते हैं, लेकिन मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो वो जो बात करते हैं वो तो संविधान के दायरे में करते हैं, पर पता नहीं क्यों, मतलब इसको ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो सकता है जो मैं कहने जा रहा हूँ, पर उनका आउटलुक कन्फर्मिस्ट है.
उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। मैं ऐसे नेता चाहता हूं जो हर जमात से आते हों, जो हम लोगों के जैसे हों। दिल किया दाढ़ी रख ली, दिल किया क्लीन शेव हो गए, दिल किया बड़े बाल, जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, शूज पहनते हैं, और जो तरक्की पसंद चीज़ों की बात करते हैं कि यार सबको पीने का साफ पानी कैसे मिले, पढ़ाई, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों की बात करते हो और इनके लिए सड़क पर उतरे कि मेरी कम्युनिटी में लाइब्रेरी क्यों नहीं है। आइए अब हम शुरू करते हैं इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है, जिशान यू साहब ने द्विवेदी साहब को। यहाँ पे इस पहली क्लिप में उन्होंने जो बात बताई है वो ये बताई है कि किसी एक चाचा का उन्होंने एग्जांपल लिया, बताया कि उनके बच्चे एजुकेटेड नहीं हो पाए। शायद उन्होंने इस चीज़ की कोशिश की हो या ना की हो मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या फाइनेंशियल हैसियत थी और वो उन्होंने अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया, उसकी क्या वजूहत रही होंगी, तो उनको एक्सप्लेन नहीं किया है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया है कि मुस्लिम लीडर्स कैसे हैं, और एक असदुद्दीन ओवैसी साहब का एग्ज़ाम्पल देकर उन्होंने बताया है कि उनका जो आउटलुक है वो एक्चुअली एक मॉडर्न लीडर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, एक ऐसा लीडर जो सबकी बात करे। तो ये भी एक उनका एक बहुत डिस्टर्बिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको ये देखना चाहिए कि वो कौन सी बात करते हैं जो दूसरे लोगों के अगेंस्ट में है, है ना। अगर कोई लीडर ऐसी बात कर रहा है तो फिर आप उनको क्रिटिसाइज़ करें, अगर कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है और अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है और वो बातें वही कर रहा है जिससे सबका फ़ायदा हो रहा है, तो फिर उनको उनके कपड़े से, उनके दाढ़ी से या उनकी दूसरी चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। पिछले दिनों मैं दोहा गया, इतनी शानदार लाइब्रेरी बनी हुई है, इतनी मॉडर्न लाइब्रेरी, एकदम कंप्यूटराइज पैनल लगे हैं, एक से एक मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। मैंने नहीं देखा आज तक किसी को, किसी हिंदू, किसी मुसलमान, किसी से किसी की सड़क पर उतरे साहब हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन इसमें इसमें जो प्रॉब्लम है या इसका जो रीज़न है वो हमारी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट क्यों ख़राब है उसका जो रीज़न है वो हमारे लोग हैं। तो जैसे लोग होते हैं वैसे वैसी सरकार होती है। मतलब ये कहा गया है, मतलब एक कॉमेडियन है जॉर्ज कार्लिन, उनको मैं सुन रहा था, उनका एक मशहूर कोटेशन है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो एक हदीस भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने कहा है कि आई थिंक उम्मुलकुम आमालकुम है कि जैसे तुम्हारे आमाल वैसे तुम्हारे हुक्मरान। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ कोई लाइब्रेरी पर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता है या हमारे यहाँ किसी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता है। कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो इसकी बात करते हैं, जैसे दिल्ली में मनीष सिसोदिया साहब को देख लीजिए, उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में और गवर्नमेंट स्कूल पे बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आप किसी आम हिंदू से पूछिए तो उसकी जो मतलब उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉइंट ऑफ व्यू उनको एक ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी जो कि नरेंद्र मोदी सपोर्टर हैं, उनको उनका मतलब है कि हमें एक हिंदू राष्ट्र और हमारा जो नेशनल प्राइड है उसको हिंदू प्राइड समझते हैं, उसको रिस्टोर करना है। तो यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम है और इसमें जो है इसमें सब शामिल हैं, इसमें मुस्लिम्स भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, हर एक रिलीजन के लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, पहले हमको अपनी जो है रिलीजियस आइडेंटिटी या आपको कल्चरल आइडेंटिटी, उसकी सुप्रीमेसी हम रिस्टोर करेंगे तभी हम दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपके और भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को हम देखते हैं इंशाल्लाह। तो ये कहाँ से शुरुआत होगी आपकी नज़र में सॉल्यूशन? मतलब आई थिंक आपने दे दिया सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन है पढ़ाई। इसके लिए मतलब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप किसी भी लेवल पे, मैं कह रहा हूँ भाई आपको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या काम होते हैं। यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जब आपने कहा कि आपको ये मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या काम हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है कि हर एक सिटीज़न को एक वोटिंग राइट होता है, और ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। एक इंसान ये डिसाइड करता है कि उसके कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो अगर लोग पॉलिटिकली अवेयर नहीं होंगे, अगर आप ये कहेंगे कि लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, या उनको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दीजिए। पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस को समझना, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को समझना, अपनी सिविक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, ये भी एक पढ़ाई है।
और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आप कितनों ही अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जाएं, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो आपको यूज़ करेगी और आपके टैलेंट का गलत इस्तेमाल होगा, या तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे या आप एक गंदे प्रोसेस में आप पिस के रह जाएंगे। तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप पॉलिटिक्स को समझें, अपने सिविक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अवेयर रहें, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डेमोक्रेटिक जो है आप डिसीजन ले सकें ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे, जब आपको वोट देना है या आपको किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। ये जो इकरा है ये कई लोगों ने मान भी लिया, कमाल विरोधाभास ये है इस दुनिया में कि आपने मान लिया कि भाई हाँ पढ़ाई कर। इकरा कुरान शरीफ का पहला शब्द है और जिसका अर्थ होता है पढ़ो लिखो, पढ़ो। हाँ। तो अब बात यह है कि भाई उन्होंने, कई लोगों ने उसको ये बना दिया, खासतौर पे मतलब एक वहाबी सेक्ट जो है, जो जमात वाला काम जो कर रहे हैं। फिर मैं ऑडियंस को और दिशा नयूब साहब को ये रिमाइंड कराना चाहूँगा कि ये एक तो कहते हैं कि जमात वाले और वहाबी सेक्ट, तो पहली चीज़ के जो भी लोग, जिन लोगों को आप वहाबी कहते हैं वो लोग खुद अपने आप को वहाबी नहीं कहते हैं, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। वो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, अहले हदीस या अहले सुन्ना वल जमा कहते हैं। वहाबी दूसरे लोग कहते हैं, चूँकि अब्दुल वहाब साहब ने रिवाइव किया था वहाँ पे इस्लामिक टीचिंग्स को, इसलिए वहाबी। तो पहले चीज़ तो उन लोगों को वहाबी नहीं कहना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप कहते हैं जमात वाले और वहाबी एक साथ चूज़ करते हैं, तो जमात वाले से आपका इशारा जमात तबलीग की तरफ होता है। तो जमात तबलीग में मुझे नहीं पता कितने अहले हदीस जो सो कॉल्ड वहाबी आप जिनको कह रहे हैं वो होते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत माइनर फ्रैक्शन के अंदर है। जमात के अंदर ज़्यादातर इंडिया के अंदर मैंने देखा है कि हनफी सेक्ट के लोग हैं, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जो बताए हुए तरीक़े हैं उसके अकॉर्डिंग इस्लाम को फॉलो करते हैं, है ना। तो ये क्विक करेक्शन है यहाँ पर ऑडियंस के लिए भी, ज़िशा नयूब साहब के लिए भी, ये मैंने ज़रूरी समझा बताना। जो मैं बता रहा था कि भाई इसका मतलब सिर्फ था कुरान के लिए, सिर्फ कुरान पढ़ो, तो कुरान पढ़ो और हदीस पढ़ लो थोड़ी उसके साथ, और हदीस भी बेमतलब बस पढ़ जाओ। ये फिर से एक एलिगेशन है, ये आपकी एक लिमिटेड ऑब्जर्वेशन है। मैंने ये भी देखा है कि आपके इंटरव्यू से ये पता चला है कि आप जो है ओखला इलाके में रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो मुस्लिम्स के लिए जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो ओखला तक ही आप महदूद हैं, मतलब आपने कभी भी मुस्लिम्स को एक ब्रॉडर सेंस में नहीं देखा है, और कंट्रीज़ में कैसे रहते हैं, इंडिया के डिफरेंट इलाके में कैसे रहते हैं, है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने या इन लोगों ने जो जमात वाले हैं सो कॉल्ड, जिनमें आपने अहले हदीस लोगों को भी मिक्स कर दिया है, आप ये कह रहे हैं कि वो लोगों ने सिर्फ क्या किया कि सिर्फ कुरान को कहा कि पढ़िए और हदीस को पढ़िए और पढ़िए और सिर्फ समझिए नहीं और सिर्फ पढ़िए। ये भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक सेन मुस्लिम जब ये सुनेगा जिसने कुरान और हदीस पढ़ा है। जैसे मेरी तालीम जो है बचपन में, सबसे पहले मैंने मदरसे में पढ़ाई की है, जो है सलफिया स्कूल हमारे यहाँ दरभंगा में वो है, वहाँ मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है। एक तरह से वो मदरसा कम स्कूल है, ज़्यादातर इस्लामिक टीचिंग होती है वहाँ पर। हर एक स्कूल के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, मुझे उस स्कूल से बड़ी शिकायत भी है, लेकिन बहरहाल जो टीचिंग हुई वहाँ पे वो कोई भी ऐसी बात नहीं जो आप कह रहे हैं। मैंने अरबी भी पढ़ी है, मैंने पर्शियन भी पढ़ी है, उसके बाद मैं हिंदी मीडियम में रहा लगभग पहली क्लास से 10वीं क्लास तक, 10 साल का वक्फा रखिए, उसके बाद फिर मैं जामिया आया, इंग्लिश में पढ़ा। तो मदरसे में कुछ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपको एक पढ़ा दिया उसको समझाया नहीं गया, या सिर्फ कुरान की तालीम दी जाती है। एक और बात मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि इस्लाम के अंदर दो तरह की नॉलेज है, एक तो फ़र्ज़ आयन है, एक फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो फ़र्ज़ आयन वो नॉलेज है जो कि आपको नेसेसरी नॉलेज है, वो आपको जाननी ज़रूरी है अपने दीन के बारे में, ताकि आप अपने दीन पे चल सकें, वो फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ उसके अलावा जितनी नॉलेज है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। और इस्लाम कभी भी आपको रोकता नहीं है कि आप कोई दूसरी तालीम हासिल ना करें। एक हदीस में ये भी कहा गया है कि जो है माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक आप तालीम हासिल कीजिए। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह के लोग इस मैसेज को पढ़ रहे हैं। अगर एक इंसान है जिसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ही नहीं है, वो दो वक्त ही रोटी ही कमा पाता है, अपने घर में बच्चों को खिला पाता है, अगर वो इस वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया,
तो आप इसका जो है इसका जिम्मेदार आप इस्लाम को या मुस्लिम्स को या उसकी टीचिंग्स को नहीं दे सकते हैं। और ज़्यादातर ऐसे केसेस, मैं बिहार से आता हूँ तो मैंने ये देखी है, ग्राउंड रियलिटी देखी, लोगों के पास जो है खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, वो सस्टेन करने के लिए ही बच्चों को, बच्चे उनकी मजदूरी करते हैं। ऐसे मुसलमानों में नहीं, अगर आप ये एक बहुत ही शॉर्ट साइटेड कहते हैं मायोपिया है, आप अगर आप इंटेलेक्चुअल मायोपिया कहूँगा मैं इसको, कि आप देख नहीं पा रहे हैं। आप हिंदुस्तान में ओवरऑल देखिए कितने बच्चे प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर पा रहे हैं और किस कंडीशन में हासिल कर पा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स की हालत क्या है, तो वो भी देखने की ज़रूरत है। खैर, ये क्विक कमेंट था आपके इस पोर्शन के लिए। ठीक है, अब बात यह है कि आप जब तक उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, आप अगर उन्हें ये नहीं बोलेंगे कि भैया, जबकि एक ये प्रॉफिट मोहम्मद की हदीस में ही आता है, मैंने मुझे ऐसे नहीं पता पर किसी एक बुजुर्ग से ही सुना था मैंने, कि उन्होंने कहा था कि अगर पढ़ने के लिए तुम्हें चीन तक जाना पड़े तो जाओ, ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था किसी से। अब भाई वहाँ तो कुरान पढ़ने तो भेज नहीं रहे होंगे, जाहिर सी बात है। ये तालीम है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सबके लिए कि ये तालीम बहुत ज़रूरी है और हर तरह की तालीम ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन की फील्ड में, ख़ासकर अलजबरा है, ऑप्टिक्स है, फिज़िक्स है, और जो है मेडिसिन है, सर्जरी है, इसमें काफ़ी मतलब ऐसा कंट्रीब्यूशन रहा है जो कि काफ़ी लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन रहा है। और उन्होंने दुनिया भर की नॉलेज को, ख़ासकर जो इंडिया से इंडियन सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स था, जो उन्होंने ज़ीरो को लिया, उन्होंने अरबिक डेसिमल बनाया जो कि हम सब यूज़ करते हैं। इमेजिन कीजिए जब ज़ीरो नहीं था तो हम फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे मैथमेटिक्स में, वो भी एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री BBC की, कि जब पॉइंट ईजाद नहीं हुआ था तो कैसे मैथमेटिक्स यूज़ किया जाता था। तो आप जब इंडिया में आज के दौर में गरीब लोगों को देखते हैं, गरीब मुसलमानों को देखते हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको पब्लिकली लिंच कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। लिंचिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, साइकोलॉजिकल लिंचिंग भी होती है हमारे समाज के अंदर। हमारे समाज के अंदर कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, और वो कास्ट सिस्टम ऐसा नहीं कि हिंदुओं में भी है, मुसलमान भी बहुत हद तक इससे मुतासिर हैं। हमारे यहाँ सोशल सिस्टम में जो है आपको कहते हैं पितृसत्ता जो सोच है वो है उसके अंदर, तो ये मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते हैं। अगर आप सचमुच अगर कोई गरीब इंसान है जो कि अपना पैसे से घर चला रहा है, दो वक्त की रोटी खा रहा है, अगर आप उसको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देंगे, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देने का मतलब ये है कि जिस बच्चे को आप एजुकेशन लेने के लिए भेज रहे हैं उसके रहने, खाने पीने और अखराजात का बंदोबस्त कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई माँ बाप कहेगा कि नहीं, अब मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजूँगा। ज़्यादातर बच्चे को स्कूल इसलिए नहीं भेजा जाता है कि उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं होती, हर बार पैसे पे आके रुक जाती है। तो ये समझना चाहिए, अगर आप ये कहते हैं कि इस्लामिक टीचिंग्स की वजह से ऐसा है, तो शायद आप एक कहते हैं, वो कहते हैं कि अपने ख्वाबो ख्याल की दुनिया में आप जी रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मैं उस तरफ से भी आता हूँ, उस तरह से भी मैं बात करूँ, तो ये तो कह नहीं रहा कि चीन जाके कुरान पढ़ना, कुरान तो यहीं अवेलेबल है, यहाँ पढ़ लो। वो अगर बोल रहे हैं कि अगर तालीम हासिल करने के लिए, इल्म के लिए अगर चीन तक जाना पड़े तो वहाँ भी जाओ, इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि पढ़ाई करो। तो पॉइंट ये है कि आप जैसी पढ़ाई करेंगे, आप जैसी ये, तब ये लाइब्रेरी का पॉइंट भी आएगा, तब ये साफ पानी भी मांगेंगे, तब ये खाने के लिए भी अच्छी चीज़ें मांगेंगे, अच्छी लैब। भाई तो मैं बहुत आगे चला गया, बहुत आगे। ये बिल्कुल गलत सोच है कि अगर पढ़ाई को प्रायोरिटी बनाएंगे तो जो है लोग ये सब चीज़ें मांगेंगे, अच्छी लैब, अच्छी लाइब्रेरी और ये और वो। उससे भी पहले की ज़रूरत ये है कि जो हमारे यहाँ जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलता है, वो हमारे हमारे जो गवर्नमेंट की रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू चलता है, उसको सही करने की ज़रूरत है पहले, तभी लोग मोटिवेट हो पाएंगे, है ना। यहाँ जो एक अंडरटोन आप बनाते हैं कि मुस्लिम्स ऐसा चाहते हैं कि वो दुनिया की पढ़ाई ना करें, ये बहुत ही गलत अंडरटोन है। आप मुझे ऐसे 5 एग्ज़ाम्पल दीजिए जिसमें एक फैमिली है जिसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, रिसोर्सेज हैं, फिर भी वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। आप ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा ऐसा एग्ज़ाम्पल। हाँ, ऐसे एग्ज़ाम्पल ज़रूर मिल जाएंगे जहाँ लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, रहने को घर नहीं है, और आप उनको कहते हैं कि भाई अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके पास एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है, है ना। एक यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक
एक लॉ है, मतलब एक मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, साइंटिस्ट जो थे उसमें नीड ऑफ हायरार्की कह लाइक उसमें उन्होंने बताया है. तो नीड ऑफ हायरार्की ऐसी होती है कि सबसे पहले इंसान जो है, इंसान की सबसे पहली ज़रूरत है कि उसको खाने के लिए खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, उसके बाद फिर वो कोई चीज़ सोचता है ना. अगर यही चीज़ उसके पास नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, पहले वो इस चीज़ को फुलफिल करेगा, है ना. तो ये समझ की बात है, आपको समझना चाहिए, है ना. एक्चुअली होता क्या है मैं बताऊं, क्योंकि हम लोग बहुत ही तसल्लीस बात कर रहे हैं. मेरी कई दोस्त हैं जो बाहर हैं, साइंटिस्ट हैं, जेएनयू दूसरी जगहों से पढ़ी हैं, कोई कैंसर पे काम कर रहा है, कोई पोस्ट डॉक, कोई इसराइल में, कोई जर्मनी में, कोई यूएस में. तो मैं कहता हूँ यार तुम लोग इतना कमाल काम कर रहे हो, पर वो विदेशी साइंटिस्ट की लैब है, वहाँ पर तुम लोग काम कर रहे हो, तुम्हें अच्छा पैसा मिल रहा है, पर देश के लेवल पर तो हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है. तो वो फिर मुझे बताते हैं कि यार अगर हम देश वापस आके काम करना चाहें इसकी आधी सैलरी पर भी, तो लाल फीताशाही है, इतना बाबूडम है, प्रोत्साहन नहीं है, हायरार्की है. तो मैंने कहा यार हमें तो कितनी जगह चीज़ें फिक्स करनी है एक कंट्री के तौर पे, कि लैब से लेके स्कूल तक, ये लैब बहुत ऊपर की चीज़ है कि बड़ी बड़ी साइंटिफिक लैब्स, पर बहुत जगह फिक्स करना है. हाँ, तो अगर आप इन चीज़ों को फिक्स करेंगे तो इसमें सबका भला होगा. इसमें अगर एक ऐसी आप आइडियल कम्युनिटी, ऐसे आइडियल मोहल्ला बनाते हैं या डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं जिसमें लोगों के पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, रोज़गार है, हर चीज़ है, और लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, तो फिर आप देखेंगे कि हर लोग एजुकेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे. तो अगर आप इन चीज़ों को फिक्स करते हैं कंट्री के अंदर, और ये फिक्स कैसे होंगी, ये फिक्स उसी वक्त होंगी जबकि हमारा जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसमें ये चीज़ें प्रायोरिटी बन जाए. हमारे यहाँ एजुकेशन का बजट देखिए वो उसको घटा दिया गया है. अब किसी कंट्री में जब एजुकेशन का बजट घटा दिया जाए और डिफेंस का बजट बढ़ा दिया जाए और पॉलिटिकल फंडिंग को जो है, जो करप्ट फंडिंग है पॉलिटिकल फंडिंग, उसको लीगल कर दिया जाए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग और ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा. तो ये चीज़ें फिक्स करने की ज़रूरत है. ये इसमें मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, आपने बहुत राइट पॉइंट यहाँ पर रेज़ किया है. और अभी फिक्स क्या कर रहे हैं भाई? ये वो वाला ही है ना कि अब जैसे कई बार बात होती है, मैं कहता हूँ भाई हमारा जो आईएएस कैडर है वो कमाल पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, मतलब दुनिया के कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्स में से एक आता है, और मतलब वो है. तो आदमी कहता है पॉलिसी बनाए, मैं कहता भाई मसला वही है, हमें पॉलिसी थोड़ी बनानी है, पॉलिसी हमारे पास बहुत कमाल की है देश बनाने के लिए, हमें आदमी को सही रखना है, इम्प्लीमेंटेशन दुरुस्त, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी सोसाइटी से जो आदमी पैदा हो रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उस आदमी को समझ है नहीं इन चीज़ों को लाइन में लगाने की, इनको इम्प्लीमेंट करने की, आगे बढ़ाने की. मसला ये है. फिर आप जब बात करते हैं कि इन चीज़ों को सही करना है, तो फिर आप लोगों की बात शुरू करते हैं कि लोगों के पास ये समझ नहीं है कि वो कैसे प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को. लोगों के पास समझ उस वक्त आएगी जब उनकी वो उस सिचुएशन में होंगे, तभी वो समझ पाएंगे. मान लीजिए कि घर में आग लगी हुई है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है लोगों की? अपनी जान बचानी है, तभी तो. अब एक घर में आग लगी हुई है, आप ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपने बालों में कंघा क्यों नहीं किया? अब ये एक बहुत ही बेतुकी सी बात है, घर में आग लगी हुई तो हम बालों में कंघा करने की ये प्रायोरिटी नहीं है हमारे पास, पहले तो उस आग को बुझाना है. तो इसी तरह जब किसी समाज में लोग रह रहे हैं तो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि भाई अपना पेट कैसे भरना है. जब वो पेट भर लेते हैं, उनके पास कपड़ा होता है, फिर घर की नीड होती है, जब वो हो जाता है फिर एजुकेशन की तरफ लोग बढ़ते हैं, फिर एजुकेटेड होते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद उनकी एक साइकोलॉजिकल नीड है वो फुलफ़िल हो जाती है, फिर उनकी एक स्पिरिचुअल नीड आती है, फिर वो जो है कनेक्ट करते हैं अपने आप को, देखते हैं गॉड से, कनेक्ट करते हैं. एक इंसान जो भूखा मर रहा है, अगर आप कहो कि अरे भाई तुम धीरज रखो, भगवान पे यकीन करो, वो कहेगा भैया पहले तो दो वक्त की रोटी मुझे चाहिए, है ना. एक शेर है कि पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये महरुमा हक ने बनाए हैं कहे के, वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, मुझको तो ये बस नज़र आती है रोटियाँ. तो उसके लिए एक नीड पहले रोटी है, उसके बाद कोई चीज़ होगी. तो आपको जो डिस्कशन होना चाहिए यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं. मुस्लिम रिफॉर्म कोई एक ऐसा एलियन चीज़ नहीं है. आप समाज को एक स्ट्रॉन्ग बनाइए, यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैपेबल कीजिए, तो उसमें सबका रिफॉर्म हो जाएगा, मुस्लिम्स का भी रिफॉर्म हो जाएगा, नॉन मुस्लिम्स का भी रिफॉर्म हो जाएगा, एथिस्ट का भी रिफॉर्म हो जाएगा, सबका रिफॉर्म हो जाएगा. और कोई भी रिलीजन या कोई भी सेक्ट
ये नहीं कहता है कि भाई मुझे एजुकेशन नहीं पढ़ना है क्योंकि मेरा रिलीजन कहता है ऐसा, कोई रिलीजन ऐसा नहीं कहता है, ना ही कोई ऐसा मुसलमान सोचता है। मैं नहीं जानता अपने नॉलेज में कोई ऐसा मुसलमान जो कि सोचता है कि भाई मैं बहुत रिलीजियस हूँ और मैं साइंस की पढ़ाई नहीं करूँगा, ऐसा कोई नहीं है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एक कहते हैं फूल्स पैराडाइज में हैं आप। तो मुसलमान तबके के लिए तो मेरा तो सबसे पहला वो ये है कि भाई आप जो है ना, आप पढ़ाई लिखाई पे अपने बच्चों के ध्यान दो। ये बात मुसलमान तबके के लिए नहीं है, सबके लिए है। और अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान तबके के लिए मेरा ये है कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तो मुसलमान तबके के लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं। आप बहुत सारे मुस्लिम्स को देखेंगे कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपका, आपको ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं वो कैसे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जो गरीब मुसलमान हैं वो क्यों नहीं पढ़ाई कर पा रहे, गरीब दलित हैं वो क्यों नहीं पढ़ाई कर पा रहे। अब JNU में, IITs में और बाकी जगह आपने फ़ीस बढ़ा दी है, और जो है फ़ीस ऐसे कम्पीट कर रहा है इंस्टीट्यूशंस का जैसे कि कोई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रेस करती है प्रॉफिट के लिए। वहाँ पे आप बात कीजिए, और वहाँ पे जब बात होती है तो लोग उन लोगों को अर्बन नक्सल बोल देते हैं, एंटी नेशनल बोल देते हैं, जिहादी बोल देते हैं। तो मसला वो है, मसला ये नहीं है कि लोग नहीं चाहते हैं पढ़ना, लोग तो चाहते ही हैं पढ़ना। कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा जो है अच्छा दिखे, अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छी तरीके से बात करे, अच्छी नौकरी करे, हर एक माँ बाप का ये सपना होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उन्हीं माँ बाप को विक्टिमाइज कर रहे हैं ये कह के कि वो रिलीजियस रीजंस की वजह से नहीं पढ़ाई करते हैं। ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है, इसको अरबी में बहुतान कहते हैं, कोई ऐसी बात किसी पर लगा देना जो वो नहीं कहता है, इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। आप एजुकेशन की तरफ उनको धकेलो, और मुसलमान तबके के तो हर तबके के लिए, बल्कि मैं कह रहा हूँ अगर हम जैसे वहाबिज्म से हम इधर आए कट्टरपंथ के लिहाज, हाँ तो कट्टरपंथ के हिसाब से कि ओवैसी की भी जैसे बात चली बीच में, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, मैं उनके हिसाब से मैं अगर ओखला के तौर पर, फिर आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो सो कॉल्ड वहाबिज्म मसलक को फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए आप ये बातें कह रहे हैं। द्विवेदी साहब ने बहुत राइटली कहा कि ये तो बात सबके लिए है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसे वहाबीज से मिलना है, मैं तो आज तक नहीं मिला हूँ। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो एक वहाबी मदरसे में ही हुई है, तो वहाँ तो मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी। वहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स आते थे, इतने सारे टीचर आते हैं, वहाँ किसी टीचर ने किसी भी बच्चे को ये नहीं कहा कि तुम ये ना पढ़ो। वहाँ साइंस पढ़ाई जाती थी, हाँ ये बात है कि हमने उर्दू में पढ़ा है, वहाँ मैथमेटिक्स को रियाजियात कहते थे, है ना, अब बायोलॉजी को इल्म हयात कहते थे। अब फिर जब हम हिंदी मीडियम में पढ़ें तो भाई साहब फिर वो जीव विज्ञान हो गया, फिर वो जो है आपको गणित हो गया, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र हो गया। तो हमने उर्दू में भी पढ़ा और हमने हिंदी में भी पढ़ा, अल्लाह का करम है हम सबसे बात कर सकते हैं, हम उर्दू में भी मैथ्स पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी समझ सकते हैं। और बहरहाल बाद में जो है जामिया में जब एडमिशन हुआ तो उसके बाद अंग्रेज़ी में सब कुछ पढ़ा हमने। एक हर्डल आता है, एक मुश्किल आती है, लेकिन जब उसको हम पार कर लेते हैं तो हमें लगता है कि अल्लाह की दी हुई नेमत है कि हमने हर चीज़ में पढ़ा है। तो कोई भी वहाबी, कोई भी मुसलमान या कोई भी इंसान जिसके वो पढ़ाई से रिलीजन की वजह से दूर नहीं जाता है, रिलीजन तो और मोटिवेट करता है, जिस वजह से दूर जाता है उस वजह पे आपको बात करने की ज़रूरत है। गरीबी पे बात करने की ज़रूरत है, जुल्म पे बात करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पे जब आप बात करेंगे तो आपको रिलीजन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप देखेंगे कि तरह तरह के फूल जैसे बाग में अपने आप खिल जाते हैं, जब मौसम अच्छा होता है और ज़मीन की में अच्छी खाद डली होती है तो फूल अपने आप से उग जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कोई पौधे में फूल नहीं खिल रहा है, इसके लिए आप पौधे को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं कि वहाँ पे माहौल कैसा है, वहाँ पे पानी डाला जा रहा है नहीं डाला जा रहा है, वहाँ की ज़मीन के पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप उस पौधे को क्रिटिसाइज़ करके आप उस पौधे पर जुल्म कर रहे हैं, है ना। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। मैं ओखला का लड़का हूँ भाई, मैं ओखला के तौर पर अगर बोलूँ, मैं कह रहा हूँ आपको पढ़ाई में क्या दिक्कत है, आपको सबसे पहले अपने दिमाग से एक तो, और लड़का लड़की का फ़र्क, ये आई थिंक एक बहुत मेजर दिक्कत है। मैं ओखला में 99 में आया और 2011 तक मैं ओखला में था, अबुल फजल इनक्लेव में। अब आप कह रहे हैं कि मैं ओखला वालों की बात कर रहा हूँ और ओखला वालों को पढ़ाई से क्या दिक्कत है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं ओखला में किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता हूँ जो ये कहे कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। हर एक इंसान पढ़ाई कर रहा है, अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहा है। और जो मैंने बात पहले बताई है जो प्रॉब्लम, वही बात यहाँ भी अप्लाई होती है। आगे आपने कहा है कि मुस्लिम्स घेटों में रहते हैं,
वो उन्होंने एक जामे मेरा, इसमें आपको ये समझना चाहिए कि जो वहाँ पे मुस्लिम से वो कहाँ से आते हैं। मैं बिहार से आया, नॉर्थ बिहार से। हमारे यहाँ जो है जो लोग बिहार से आते हैं या जो लोग ऐसी जगह से आते हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, यूपी के बहुत सारे इलाके हैं वहाँ से आते हैं, उनके लिए दिल्ली में रहना बहुत बड़ा चैलेंज होता है महंगाई की वजह से। तो ओखला एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सस्ते में लोग रह लेते थे, खाना पीना सस्ते में खा लेते। मुझे याद है कि मैं शायद शायद 120 रुपए शायद देता था महीने का रहने के लिए, और वहाँ पे जो है एक होटल था, आई थिंक शाकिर भाई का होटल था, जहाँ पे हम लोग 7 रुपए की एक सब्ज़ी लेते थे, उसमें 2 लोग खा लेते थे, और एक एक रोटी 1-1 रुपए की आती थी उस ज़माने में। तो अगर मैं 12-15 रुपए में 2 लोग, मैं 2 भाई थे हम लोग वहाँ, तो 12-15 रुपए में खाना खा लेते थे। इस वजह से हम लोग ओखला में थे। ऐसा नहीं है कि हमको ओखला में इसलिए हैं कि वहाँ पे मुस्लिम्स हैं एंड सो कॉल। और दूसरा एक रीज़न ये था कि जामिया के करीब था, हमें जामिया का एंट्रेंस देना था या जामिया से हमें जाना था, और एक जामिया ही कैसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन के थ्रू एग्ज़ाम होता था। मैं अपने सबसे छोटे भाई के लिए मैंने काफ़ी अप्रोच किया था केंद्रीय विद्यालय और बहुत सारी जगह। आप यकीन नहीं करेंगे, एक केंद्रीय विद्यालय है जहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ के जो टीचर हैं उन्होंने खुद कहा भाई हम बिहारियों का एडमिशन नहीं लेते हैं। तो आप जब ये सब प्रिजुडिस सोसाइटी के अंदर से निकाल देंगे तो लोग ओखला के अलावा भी जगह रहने लगेंगे, है ना। महंगाई आप इतनी ज़्यादा है और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान से निकाल देना चाहिए कि ओखला के लोग को आप जब स्टीरियोटाइप कर रहे हैं यहाँ पे कि ओखला के लोग ऐसे होते हैं, तो ये गलत स्टीरियोटाइप है। आप लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं आप लड़कियों को कि इसके बाद उनकी शादी थोड़ा अच्छे घर में हो सके? ये कमेंट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि शादी अच्छे जगह से हो जाए, और उससे भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है। अब लड़के क्यों पढ़ते हैं भाई साहब, हैं? लड़के इसलिए पढ़ते हैं कि अच्छी जगह, वो उनके दिमाग में भी होता है कि मेरा रिश्ता अच्छी जगह से हो जाएगा और मुझे दहेज बहुत अच्छा मिलेगा, है ना। और अगर मैं एक क्रूड मतलब एक दूसरे सेंस में ये कहूँ कि अगर लड़का ये भी सोचता है मैं पढ़ूंगा तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, है, तो ये भी एक गलत सोच है। इसको इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। जॉब तो मिल ही जाएगी आपको, है ना, और जॉब ओरिएंटेड कोर्स और ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, लेकिन जो पढ़ाई का मकसद है वो सिर्फ जॉब नहीं है, पढ़ाई का मकसद कुछ और भी है। तो जो लोग अगर ये सोचते हैं कि भाई मेरी लड़की अगर पढ़ लेगी तो उसकी अच्छी जगह शादी हो जाएगी, उससे भी बहुत हद तक कोई गलती नहीं है। ठीक है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद ऐसा लड़के ही नहीं सोचता, लड़के भी सोचते हैं, ऐसा मुसलमान ही नहीं सोचते, नॉन मुस्लिम भी सोचते हैं, है ना। मुसलमानों में तो बहुत हद तक जो है अब ये बहुत सेंस डेवलप हो गया है, जैसे जब से लोग रिलीजियस स्टडी करना पे ध्यान दिया उन्होंने, जहेज़ वहेज़ की बात बहुत कम होती है मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग, और मैं जितने लोगों को जानता हूँ। फिर जो है डॉरी रिलेटेड केसेस हैं वो सब कम होते हैं हमारे यहाँ। तो ये सब फैक्टर हैं, आप इसमें रिलीजन को आप खींच के ना लाएं, ये हमारे सोसाइटी की प्रॉब्लम है। ऐसी सोच रखना कि इससे पढ़ाई का जो है एंड ऑब्जेक्टिव एक अच्छी शादी है या एक अच्छी नौकरी है या मुझे अच्छी डॉरी मिल जाएगी, ये सारी सोच है। और इन्हीं सब सोचों को से इंसान को दूर करने के लिए लोगों के पास जो सोल्यूशन है वो रिलीजन में, सिर्फ रिलीजन में, और कहीं नहीं है ये सोल्यूशन। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, इंसान के अंदर जो लालच है और जुल्म करने की जो टेंडेंसी है, इसको आप अपने जो है साइंटिफिक अप्रोच से दूर नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं, और उसके लिए आपको रिलीजियस टेक्स्ट देखना पड़ेगा। या तो अगर आप रिलीजन को आप नकार दें तो आपको खुद एक ऐसी टेक्स्ट बुक बनानी पड़ेगी जिसमें ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया गया हो। जब आप ये बुक बनाएंगे आप देखेंगे ये खुद एक धर्म ग्रंथ बन जाएगा, जैसे कि कुरान है या बाकी हमारे वेद हैं इंडियन कल्चर के अंदर। अगर बीए करीबी लड़की है, पर अब आप देखिए कितने अनफॉर्चुनेट चीज़ है, मतलब ये सब ना पॉइंट हमें समझने पड़ेंगे कि हमें कहाँ कहाँ खुलना है दिमाग से कि हाँ हाँ अब हमारी एक रिश्तेदार है, लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अच्छे मतलब खूब नंबर आते थे, हमसे तो बहुत ज़्यादा आते थे जितने हमारे आते थे उससे, तो उसको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन मतलब अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा था, डीयू वगैरह में, बाहर की भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल रहा था। तो हमने बोला हाँ अच्छा अब क्या चूज़ करोगी, मतलब वो तो उस वाले लेवल पे थी कि अब चूज़ कर सकती है वो कि यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, वो कि नहीं 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 मम्मी वगैरह सब बोल रहे हैं तो जामिया में पढ़ लूँगी, पास का पास है, तो दोपहर में पर आदमी ताकि घर आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जामिया में नहीं पढ़ना चाहिए, वजह गलत है।
यहाँ जिस वजह की आप बात कर रहे हैं वो है एक एप्रीहेंशन, एक डर सोसाइटी का कि अगर हम दूर जाएंगे तो क्या होगा। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, उस फैमिली की कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है जो ऐसा सोच रहा है, और वाकई हमारा क्या समाज इतना ख़राब है। आप दिल्ली में जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, जो वुमेन सेफ्टी की सिचुएशन है, वो आप देखिए कैसी है। इसमें अगर कोई लड़की या उसके माँ बाप ऐसा डिसाइड करते हैं तो कुछ बहुत बड़ा बुरा डिसीजन नहीं है। अगर वो लड़की ऐसी जगह रह रही होती जहाँ पे दूसरे कॉलेजेस नज़दीक हैं तो वहाँ पे जा सकती थी। डिपेंड करता है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव डिस्कशन है। इसको आप अगर आप एक इंसिडेंट को लेकर आप ये कहें कि इस तरह के पॉइंट लोग सोचते हैं, जनरली ऐसा नहीं है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा आपको, बहुत मेरा अपना पर्सनल एग्ज़ाम्पल। मेरी बहन है, मेरी बहन ने मास्टर्स किया बिहार से, उसके बाद उसने बीएड किया जामिया से। अब जामिया में बीएड के लिए इंट्रेंस होता है और काफ़ी टफ इंट्रेंस होता है, उसने फर्स्ट टाइम में क्रैक किया। तो वो यहाँ पे आके पढ़ने लगी, हम लोग साथ रहते थे दिल्ली में, बिहार से दिल्ली कितनी दूरी है। तो ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है कि किस जगह पे क्या है। अब वहाँ पे भी बीएड की तालीम मिलती है, लेकिन जामिया में अच्छी तालीम मिलती है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। तो इसमें आप एक फैमिली को क्रिटिसाइज़ ना करें कि भाई वो फैमिली ऐसा क्यों सोचती है। मान लीजिए कि दिल्ली में कोई होता नहीं हमारा, मतलब कोई नहीं होता, मैं नहीं होता, कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता, तो फिर वो कैसे आती। हो सकता है कि मेरे फैमिली मेम्बर नहीं भेजते। एक सेप्रीहेंशन है, एक डर है कि भाई एक दूसरी जगह लड़की रहेगी तो कैसे रहेगी, है ना। आपको काम ये करना चाहिए कि आपको उस डर को दूर करना है सोसाइटी के अंदर से। अगर हमारा समाज इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, इतना अच्छा है, जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई माँ बाप ऐसा नहीं सोचेगा कि उसके बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, कितनी जगह जा रहे हैं, कितने रात में घर से निकल रहे हैं और रात के किस वक्त घर पर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वजह से लोग नहीं जाते हैं। तो जिस वजह से गरीबी और भूख की वजह से लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, वैसा ही एक ये रीज़न है जिसकी वजह से लोग डरते हैं। तो यहाँ पे लोग जो आप कह रहे हैं कि दिमाग खोलने की ज़रूरत है, अबे दिमाग सबका खुला हुआ है, इसी वजह से लोग डर रहे हैं दूर भेजने से बच्चों को। आपको ज़रूरत यह है, डिस्कशन यहाँ पे ये होना चाहिए कि इस डर को हम दूर कैसे कर सकते हैं। अभी आपका जो अंडरटोन है यहाँ पे, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अरे भाई आप ये कहना चाहिए कि रिलीजियस रीज़न की वजह से, है ना। आप चूँकि आप मुसलमानों पर बात कर रहे हैं तो आपका अंडरटोन है ऐसा बोलने का, एक पीछे से आपकी एक ऐसे आपने बैक ऑफ योर माइंड ऐसी चीज़ें, मुझे लग रहा है कि है कि मुस्लिम्स ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर आप ये स्टैट ले आएँ कि दिल्ली जो है दुनिया की 5 ऐसे शहरों में है जहाँ पे औरतों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वीमेन सेफ्टी 1 है दुनिया के टॉप 5 शहरों में। आप ये स्टेटस हासिल कर लें, फिर आप बात करें कि मुसलमान लड़कियाँ दूर दराज यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं जाती हैं। यहाँ पे हालत तो ये है कि हर एक मिनट एक लड़की का रेप होता है इंडिया के अंदर, है। ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ तो हर वीक एक लड़की मरती है डोमेस्टिक वायलेंस से, एटलीस्ट 1 की एक रिपोर्ट मैंने 2 भी पढ़ा था। आप इन सब चीज़ों को अगर आप सही कर लेंगे तो किसी माँ बाप को अपने बच्चे को दूर दराज भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। आपकी जामिया में पढ़ने की, आप जो है ना, आप एजुकेशन को उस प्रायोरिटी पे रख ही नहीं रहे हैं जहाँ पे आपको रखनी चाहिए। मैं तो हर चीज़ का सोल्यूशन वही बोलता हूँ कि भाई आप ना बस पढ़ाई लिखाई ठीक कर दो, जितने पंगे हो रहे हैं, जितने रायते हो रहे हैं ना, ये सब सुलझ जाए। पढ़ाई लिखाई ठीक करने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये तो बात सही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई सॉल्व ठीक कैसे होगी। आप मान लीजिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अफ्रीका का एक बहुत गरीब देश सोमालिया है, या ऐसे बहुत सारे गरीब देश हैं जहाँ पे भूखमरी है, है ना। अभी बिलियंस में ऐसी पॉपुलेशन है जिनके पास रात का खाना नहीं होता है। अब आप ये कहेंगे कि हाँ तुम लोग पढ़ना शुरू कर दो, सब प्रॉब्लम सही हो जाएगी। पहले आप उनकी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कीजिए, तभी आप अगले स्टेप पे बात करेंगे, है ना। ये बात वही है जैसे कि मैंने पिछला एग्ज़ाम्पल में एक्सप्लेन किया है कि एजुकेशन एक फूल की तरह है, एक पौधे में फूल नहीं खिल रहा है तो आपके पौधे की प्रॉब्लम है। आप ये तो देखें कि वो अच्छी जगह से उसमें उसको प्लांट किया गया या नहीं किया गया, उसको पानी डाली जाती है कि नहीं डाली जाती है, वहाँ की मिट्टी सही है या नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं फिर भी पौधा फूल नहीं दे रहा है, तो हाँ फिर पौधे में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तो आपको यहाँ पे
सोचने की ज़रूरत है, और ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जो हैं करने की ज़रूरत कि भाई एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं, एजुकेशन सब प्रायोरिटी है। इंडिविजुअल एजुकेशन की प्रायोरिटी उस वक्त लेगा जबकि जो उसकी कंट्री है, उसकी सोसाइटी जो है और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस चीज़ के लिए उसको मोटिवेट करे। नहीं तो आप कभी भी एजुकेशन को प्रायोरिटी में नहीं देखेंगे किसी भी सोसाइटी में, किसी भी फैमिली के अंदर। अब मेरा कहना ये है कि भाई आप जब ये इमाम साहब का बयान हो रहा है, इसके अंदर आप वही वाली बात कि इस्लाम को कहाँ ख़तरा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, उसको मॉडर्न तौर पे समझते हुए आदमी को ज़िंदगी कैसे जीनी है, अगर आप उतने सलीके पे भी बात करें, बेसिक एजुकेशन की बात करें, मैं कह रहा हूँ वहाँ से तो शुरुआत करो। रिशान साहब, आपको मेरे ख्याल से जुमा की नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत है, और अगर आप जुमा की नमाज़ पढ़ने जाएं अलग अलग मस्जिद में तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे मैं कॉन्शियसली जो है 10th क्लास के बाद से ही मैं इस्लाम को कॉन्शियसली फॉलो कर रहा हूँ, और जो थोड़ी बहुत परफेक्शन आई है वो आपको जो है 2010 के आसपास जो है, बचपन से जब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे शायद ही कोई ऐसी मस्जिद है जिसमें इस तरह की बात करते हुए जो इमाम साहब सुने होंगे, इस्लाम को ख़तरा है तो इसको ख़तरा है तो ये है वो है। अगर आप दिल्ली की ही बात करें, दिल्ली में आप इतनी सारी मस्जिदें हैं, आप जाएं वहाँ पे जो जनरल बात होती है, ज़्यादातर बात जो होती है वो ईमान की बात होती है। ईमान का मतलब फेथ आपके पास कैसे स्ट्रांग होना चाहिए। फेथ स्ट्रांग होने का मतलब यह है कि आप जो अच्छे काम कर रहे हैं अपने ज़िंदगी के अंदर, उसमें आपका कन्विक्शन कितना है, आप कितने उसको ईमानदारी के साथ आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे झूठ नहीं बोलना है, जैसे चोरी नहीं करनी है, ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जो कि ऑल अक्रॉस द रिलीजन सेम है। उसके बाद बात होती है कि जो है प्यूरिफिकेशन पे बात होती है कि सफाई कैसे रखनी है या अपने आप को साफ कैसे रखना है। फिर आपको जो है बात होती है प्रेयर के बारे में बात होती है कि 5 वक्त की नमाज है उसको कैसे पढ़ना है, और खुतबा का एक जो पार्ट होता है जो कॉमन है हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, जिसमें एक अरबिक टेक्स्ट पढ़ाया जाता है, उसमें भी यही बात होती है कि भाई जो इस ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी है उसमें आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जिससे आप ये कहने कि इस्लाम को ख़तरा है वो डिस्कशन होता है। हो सकता है एक दो मस्जिद में ऐसी होती हो, और ये पॉसिबल है क्योंकि जो इमाम है वो भी एक इंसान है, वो भी उन्हीं फैक्टर से घिरा हुआ है जिससे हम और आप घिरे हुए हैं, वो भी अलग अलग बैकग्राउंड से वहाँ पे इमाम आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस मस्जिद में किनका खुतबा सुनते हैं। लेकिन अगर आप ये जनरलाइज करते हैं कि मस्जिदों में ऐसी ही चीज़ें होती हैं, और ख़ासकर अगर आप मैं ओखला में जमात इस्लामी के पास रहा हूँ, वहाँ की अगर आप मस्जिद में जाएँ तो वहाँ काफ़ी अच्छे वहाँ पर जो बयान होता है, जैसे एक स्कॉलर है एजाज असलम साहब हैं, जब आप उनका बयान सुनेंगे तो आपको इतने सारे स्टैट्स और डेटा और जो है साइंटिफिक चीज़ें पता चलेंगी जो आपको किताबों में नहीं मिलती हैं। मुझे याद है कि एक बार बारिश हो रही थी तो उन्होंने जो बयान दिया असर के बाद, उसमें उन्होंने हिंदुस्तान में कहाँ कितनी बारिश होती है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है और बारिश के क्या फ़ायदे हैं और उनकी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी क्या है, और फिर क्या है कि बारिश के वक्त में एक मुसलमान को क्या करना चाहिए, दुआ कैसे मांगनी चाहिए, और जो है वो सारी चीज़ उन्होंने बता दी। तो डिपेंड करता है कि जो इंसान खुतबा दे रहा है इसका नॉलेज क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो हर तरह के लोग होते हैं और खुतबा तरह तरह का होता है, तो ऐसा नहीं है कि जो है खुतबा एक ही तरह का होता है और जो है उसमें सिर्फ ऐसी ही बातें होती हैं जो कि निगेटिव बातें हैं। निगेटिव बातें बहुत कम होती हैं, और जो इमाम ऐसे हैं जो कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा कि शाही इमाम जो जामा मस्जिद के हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं जिसका कंडेमनेशन जितने भी मुसलमान हैं करते हैं कि भाई जब आप मस्जिद के मेंबर पे खड़े हैं तो आपका फोकस दीन होना चाहिए, और आपका अगर फोकस उसको पॉलिटिक्स बना देंगे तो फिर आप वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आपको वहाँ पे डिजिग्नेट किया गया है, ये समझने की ज़रूरत है। तो जमाती कई बार आते तो वो कैसी बातें करते हैं, अब देखिए उसमें कुछ समझदार भी है, मैं उनको अलग कर देता हूँ, पर ज़्यादातर ये वाला तबका है, वो आएंगे, आपने आए घंटी बजाई कि हाँ भाई जिशान साहब हैं कि उनसे मुलाकात करनी है, घर वाले किसी ने बोला भाई जाओ तुम्हें कोई बाहर बुला रहा है, आप गए तो आपको 4 जमाती मिले। अब आप गए, आपने आगे बोला, उन्होंने बोला ये मस्जिद में बातचीत होनी है, वो आपने बोला मेरा कल एग्ज़ाम है,
ऊपर जाके कोई डिग्री काम नहीं आएगी। जहाँ ये सुनते थे वहाँ से मेरे पापा आवाज लगाते थे कि चलो भागो यहाँ से। हाँ, ये इस पॉइंट पे मैं एग्री करूँगा। जो भी लोग ऐसी बातें करते हैं कि भाई ऊपर जाके डिग्री काम नहीं आएगी, इन थ्योरी तो सही बात करते हैं कि भाई ऊपर जाके डिग्री काम नहीं आएगी, देखो उसी के लिए आपने ज़िंदगी भर जद्दोजहद की, लेकिन अगर आप उसको प्रायोरिटी लिस्ट में आप ये कहते हैं, आप किसी भी एक इंसान से मिल लें, उसकी अपनी मशगूलियत है, वो अपनी पढ़ाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई तुम मेरे साथ चलो क्योंकि इसका कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस सरासर गलत बात कर रहा है। अगर जमाती ऐसी बात करते हैं तो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें और भी लोग करते हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आपका दोस्त फ़ोन कर दिया भाई चल मूवी देख लेते हैं, है ना, तो क्या है पढ़ाई तो होती रहेगी, कितना पड़ेगा ये है, तो ये भी गलत बात है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। इनफैक्ट आपको घर से बाहर आना भी नहीं चाहिए कि कोई आपसे मिलने आया है या क्या है। अगर जमात वाले आए हैं तो माँ बाप को ही मना कर देना चाहिए कि भाई हमारे घर में बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो अभी वो नहीं आ पाएंगे। इसमें अगर कोई जमाती या कोई रिलीजियस पर्सन या कोई भी इंसान अगर ये कहता है, अगर आपके लिए अपने दिल में कोई गलत चीज़ें रख लेता है कि भाई ये देखो कैसे लोग हैं जो कि दीन को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, दुनिया में लगे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से वो गलत कर रहे हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी के बारे में ऐसी राय कायम कर रहे हैं जो आपने ख़ुद से कायम कर ली है, आपके अंदर ये एहसास नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उसके दिल में झांक के देखें कि वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, और इसका बहुत ही काउंटर गलत रिज़ल्ट आता है। तो ये गलत बात है। ज़ीशान अय्यूब साहब ने बिल्कुल सही कहा है, और उनके अब्बा ने जो स्टेप लिया वो भी सही स्टेप लिया कि उस वक्त जो है उन लोगों को आप मना कर दें कि भाई आप जाएं। लेकिन ये बात कहना कि जमाती ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं बिल्कुल गलत है। मैं कॉलेज लाइफ से जमाती लोगों को जानता हूँ, इनफैक्ट मैं स्कूल लाइफ से जमाती लोगों को जानता हूँ, और मुझे कभी भी लोगों ने परसुएट नहीं किया बहुत ज़्यादा कि तुम जमात में चलो। एक दो बार बोला उन्होंने, और कभी मेरे पास ऐसा मौका नहीं आया कि लोग एकदम से परसुएट करें कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, यही काम करना है, ऐसा ही काम करना है। ये बहुत हद तक इस पे भी डिपेंड करता है कि जो लोग जमात में हैं वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और ख़ुद वो उन्होंने कितनी पढ़ाई हासिल करी है। जो अगर उस चीज़ को समझते हैं तो फिर वो उसी हिसाब से बात करेंगे। तो क्या है कि एक ना वो क्योंकि आप आए ही उस इलाके में रहने इसलिए हैं कि यहाँ पे आसपास मुसलमान रहते हैं, आप इसी मेंटेलिटी से आए होंगे। कोई आदमी जो बाहर से आ रहा है वो और कोई वजह हो नहीं सकती। ओखला में लोग इसी मेंटेलिटी से आते हैं जो कि वहाँ पे मुसलमान है इसलिए वहाँ पे लोग जाते हैं, ये एक गलत बात है, गलत इल्ज़ाम है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं एक लाइव एग्ज़ाम्पल हूँ अगर आप समझना चाहें। मैं 99 में ओखला आया, और अगर आप कहेंगे क्यों रीज़न क्या रीज़न था, सिर्फ एक ही रीज़न था, पैसा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सस्ता एकोमोडेशन था, और दूसरा रीज़न ये था क्योंकि जामिया का एंट्रेंस देना था तो जामिया नज़दीक में था। और ज़्यादातर लोग जो ओखला में आते हैं वो इसी रीज़न की वजह से आते हैं, कोई इस रीज़न की वजह से नहीं आता है कि वहाँ पर मुसलमान है इसलिए हम वहाँ पर रह रहे हैं। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ से जो बाकी जगह जाने का रास्ता है, जैसे कि नोएडा है या और भी जगह है, तो वो नज़दीक है थोड़ा वहाँ से, ओखला से। फिर आपको ये भी देखना है कि जहाँ पे वहाँ पे लोग, उनकी पूरी हिस्ट्री आपको समझनी पड़ेगी कि ओखला बसा कैसे है ना। आप सिर्फ एक स्टेटमेंट ये दे देते हैं कि चूँकि मुस्लिम्स हैं इसलिए वहाँ पर लोग रह रहे हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर आप दिल्ली के अंदर एकोमोडेशन की बात करें तो अगर आप बाकी जगह पे अच्छा कर दें एकोमोडेशन तो आप वहाँ भी रह सकते हैं। साउथ एक्स में आप सिर्फ फ्लैट का रेंट ही देख लीजिए। तो दिल्ली में मैं रह रहा था तो मैंने शायद जब मेरी फैमिली आई वहाँ पे तो 3,000 रुपये देता था। वही अगर मैं दूसरी जगह जाऊँ तो हो सकता है 10,000, 12,000, 15,000 से नीचे उस वक्त मुझे नहीं मिल रहा था फ्लैट। ये बात मैं कर रहा हूँ 2003 की बात कर रहा हूँ, शायद 2003-04 की बात कर रहा हूँ। तो पैसे की वजह से होती है सारी चीज़ें। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि मुस्लिम्स रह रहे हैं इसलिए वहाँ पे हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पे मुझे लगता है कि जो एनालिसिस ध्रुव राठी करते हैं वो काफ़ी हद तक मतलब फैक्चुअल उनकी रिपोर्टिंग होती है। उनसे आपको थोड़ा सीखना चाहिए कि जब किसी
टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अपने ज़ाती एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करना है, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप ही के ऑब्जर्वेशन सेट पे टिका हुआ है। आपको बात करनी चाहिए कि ओवरऑल ऐसा क्यों है, बाकी जगह का डेटा देखना चाहिए, पूरी एनालिसिस करनी चाहिए, तब आपको ऐसी बात करनी चाहिए। इसके बारे में हमने पहले भी बताया है, तो ये क्विक कमेंट था ओखला के लिए। कोई ऐसा ओखला जो है वो गोल्फ लिंक जैसा नहीं लगता है कि आदमी बोले कि यार इस जगह पर रहना है हमें, तो होता यह है कि वो ना, यहाँ पे आपने वही बात करी कि गोल्फ लिंक जैसा नहीं है इसलिए वहाँ पर। एक्चुअली मुझे लगता है कि आप काफ़ी, आपका जो टेस्ट रहा है या आपकी जो लाइफ स्टाइल रही है उसमें आपने अपने आप को काफ़ी पॉश इलाके में रहने की आपकी ख्वाहिश रही है, और हर एक इंसान की रहती है कि ऐसी जगह पर रहे जहाँ पर हल्ला हंगामा कम हो, भीड़ कम हो। लेकिन लोग ऐसी जगह रहते ही क्यों हैं जहाँ पे ऐसे, मतलब एक जिसको सो कॉल्ड पॉश, आप सॉरी एक्सक्यूज में, तो ऐसे इलाके पे क्यों जाते हैं? सिर्फ पैसे की वजह से जाते हैं। जब पैसा सस्ता रहता है वहाँ पे, एकोमोडेशन सस्ती है, इसलिए वहाँ पे जाते हैं। तो खैर काफ़ी, मतलब मुझे लगता है कि जो लोग ओखला में रहते हैं उनको काफ़ी तकलीफ होगी आप जैसी बातें कर रहे हैं इस वजह से। अब मैं किसी भी मुसलमान से इस्लाम के बारे में बात कर सकता हूँ? यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं रेफरेंस देना चाहूँगा। आपको याद होगा NDTV में एक बार शाहरुख खान का इंटरव्यू आया था, उसमें मैं मेजर डिफरेंस दिख रहा है शाहरुख खान और ज़ीशान अय्यूब साहब में। ऐसे तो डिफरेंस बहुत बड़ा है क्योंकि दोनों की अपनी अपनी करियर टाइमलाइन है, लेकिन बड़ी मैच्योर बात कही थी शाहरुख खान ने उस टाइम में कि भाई जो जो इस्लामिक थियोलॉजी और जो डिस्कशन है वो उसके लिए मुस्लिम उलमा का होना ज़रूरी है, और वो ही उस पर बात करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। इस पूरे डिस्कशन के बाद अगर आप ये समझते हैं कि आप इस्लाम पे और मुसलमानों पे बात कर सकते हैं, तो बहुत अफसोस की बात है कि आप नहीं कर सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि आपने शायद इस्लाम को नहीं समझा है और मुस्लिम्स को भी नहीं समझा है। आपने इस्लाम को उतना ही समझा है जितना कि आपने एक्सपीरियंस किया है, मैं कहना चाहूँगा। और जहाँ तक मुसलमानों की बात है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो ओखला तक ही लिमिटेड मुझे लग रहा है, आपने बाकी मुसलमानों को देखा नहीं है। तो ये दो चीज़ हैं जो मैंने अभी क्विकली फाइंड की है इतने डिस्कशन के बाद आपके, और आपको शायद समझना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग है वो एक थिन एयर में डेवलप नहीं होती है, उसके लिए पहले आपको मोटिवेट होना पड़ता है पढ़ने के लिए, है ना। और जब आप कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों से पढ़ा समझा और इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग ली, ये कोडेड वर्ड है और उसमें से अच्छी चीज़ बतानी चाहिए बाकी चीज़ नहीं बतानी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये कुरान शरीफ है, आपको ये इतनी मोटी बुक है। आई थिंक ये तफसीर के साथ है इसलिए थोड़ी मोटी है, लेकिन अगर आप इसको कवर टू कवर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप फिर ये अंदाज़ा कर पाएंगे कि इसमें क्या कहा गया है, और इसमें टाइम लगता है, इसमें आप ओवरनाइट ऐसा नहीं कर सकते हैं। और आपको ये भी समझना चाहिए कि जब आप बात करते हैं एज अ मुस्लिम, तो मुस्लिम कौन है, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है सूरह बकरा की है पहली ही चंद आयत है, ये किताब जो है प्रेयर से शुरू होती है, उसको अलहम्द शरीफ कहते हैं। उस प्रेयर में आप कहते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर चलाइए, सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, जिन पर अल्लाह ने नेमत की है और उन लोगों पर नहीं जिस पर ज़ुल्म किया गया है, जिस पे अल्लाह का अज़ाब आया। और जब ये आप दुआ ख़त्म करते हैं तो फिर अल्लाह रिस्पॉन्ड करते हैं कि ज़ालिकल किताबुल्ला रईब, ये वो किताब है जिसके बारे में कोई शक नहीं है, जो दुआ आपने की है उसके जवाब में ये चीज़ कही जाती है, हुदल्लिल मुत्तकीन, जो कि परहेजगारों को राह दिखाने वाली, मुत्तकीन जो परहेजगार होते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि इस दुनिया को कोई बनाने वाला है या नहीं, है ना, पहले इस चीज़ पर यकीन हो। जब आपके पास इस चीज़ का यकीन हो गया कि इस दुनिया का एक बनाने वाला है, तो फिर आप ये प्रेयर करते हैं कि अलहम्द शरीफ, आप अपने अल्लाह की तारीफ़ करी, इस दुनिया के बनाने वाले की तारीफ़ करी, आपने दुआ की, तो अल्लाह ने फिर रिस्पॉन्ड किया कि ये किताब है जिसके बारे में कोई शक नहीं है। और ये किताब किन के लिए है? हुदल्लिल मुत्तकीन, परहेजगारों को राह दिखाने वाली है। अल्लज़ीन युमिनून बिल ग़ैब व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून, जो लोग ग़ैब पर ईमान लाते हैं और नमाज़ को कायम करते हैं और हमारे दिए हुए माल से खर्च करते हैं, ये तीन चीज़ें। तो आपको अपने दिल से पूछना चाहिए, अपने अंदर से पूछना चाहिए कि क्या आप गैब पे ईमान लाते हैं। गैब क्या है? जो अनसीन वर्ल्ड है, अनसीन वर्ल्ड की जो सबसे पहली चीज़ जिस पे हम ईमान लाते हैं
वो अल्लाह पे ईमान लाते हैं, एक खुदा पे ईमान लाते हैं। तो क्या आपने एक खुदा को देखा है? नहीं देखा है। तो आप उस पर ईमान लाते हैं, उस पर आपके अंदर एक कन्विक्शन है कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला है। उसके बाद आफ्टर लाइफ है, एंजल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको यकीन करना होता है। अगर आप ये यकीन करते हैं, उस पर आपका ईमान है, वैसा ही जैसे कि आप मटेरियल वर्ल्ड में, सेंसरी वर्ल्ड में दूसरी चीज़ों को देख के ईमान रखते हैं कि वो चीज़ें हैं। तो जैसे कि ये फ़ोन है, तो आप ये देख रहे हैं कि फ़ोन है मेरे सामने, इसलिए इसको हम कह रहे हैं फ़ोन है इसका। फिर हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स है, इसका एक बनाने वाला है। ऐसा ही ईमान अगर आपके पास अल्लाह के ऊपर भी है कि मैं हूँ, मैं एक क्रिएटेड बींग हूँ, मैं अपने आप से दुनिया में वजूद नहीं आ गया, इंसान अपने आप से दुनिया में वजूद नहीं आ गया, इसको कोई बनाने वाला है, ये एक कन्विक्शन आपके दिल में आई, उसके बाद आपने उस पर ईमान लेके आए कि हाँ, चूँकि एक दुनिया का बनाने वाला है इसलिए उसकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो आपने बुक्स पढ़ी जो कि हम ये यकीन करते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए दिया गया। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं, इसी को कहा गया है अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैब, ग़ैब पे ईमान लाते हैं, वयुक़ीमून अस्सला, और नमाज़ को कायम करते हैं और पाँच वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, है ना, ग़ैब पे ईमान लाते हैं और पाँच वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहा गया, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून, और हमारे दिए हुए माल से खर्च करते हैं। जो अल्लाह ने आपको रिसोर्सेज दिए है, कैपेबिलिटी दी है, पैसा दिया है, उसको आप यूज़ करते हैं दूसरों के बेनिफिट के लिए, है ना। तो अगर आप ये तीन चीज़ें करते हैं तो फिर आप मुसलमान हैं, फिर आप एक अथॉरिटिव पोजीशन में हैं कि आप बात कर सकें कि इस्लाम क्या कहता है, मुसलमान क्या कहते हैं। तो आपको ये चीज़ पहले क्लियर करनी चाहिए कि आप इन चीज़ों को मानते हैं कि नहीं, ग़ैब पे ईमान लाना और पाँच वक्त नमाज़ पढ़ना। कहते हैं कि नमाज, नबी सल्लम की हदीस है कि नमाज इस्लाम और कुफ्र के बीच में एक लकीर है, एक दीवार है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आप मुसलमान हैं, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप नहीं हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। तो आप पहले ये क्लियर करें कि आप मुस्लिम हैं या नहीं हैं। अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं तो मुस्लिम हैं, जैसा कि इस्लाम ने कहा है, इस्लाम ने बताया। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम का मतलब ये नहीं है कि जो इन चीज़ों को माने, मुस्लिम का मतलब कि मैं मुस्लिम घर में पैदा हो गया तो मैं मुस्लिम हूँ, तो ये आपका इंटरप्रिटेशन है, आपकी अपनी सोच है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम की का लेना देना इस्लाम की किताब से है, जो है कुरान शरीफ से है। इसमें बताया गया कि मुसलमान कौन है, इसमें बताया गया है कि सक्सेसफुल मुसलमान कौन है। तो इसीलिए लोग जो है, मतलब आप अगर आप मुस्लिम्स को देखते हैं तो वो जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होते हैं वो डाउन टू अर्थ होते हैं, वो ज़्यादा बहुत सारी ऐसी बातें नहीं करते हैं जो कि वो नहीं जानते हैं। लेकिन चूंकि आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि गलत हैं, फेस वैल्यू पे गलत हैं, और उसको आप कह रहे हैं कि इस्लामिक है या मुसलमानों को बात कर रहे हैं, तो ये क्लियर करने की ज़रूरत है। आप पहले कन्विंस होइए, आप किसी भी जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप उससे पहले आप लोगों को बताइए कि भाई मैं इस तरह का मुसलमान हूँ, ताकि एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए कि आप इस चीज़ों को मानते हैं कि नहीं, आप सिर्फ बोलने वाले मुसलमान हैं या सचमुच आपका कन्विक्शन है। ऐसे दिल का हाल तो अल्लाह जानता है, अल्लाह जज करने वाला है। मैं जज नहीं कर रहा हूँ आपको कि आप क्या हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम आप वर्बली लोगों को बता दें कि भाई मैं ऐसा मुसलमान हूँ, मैं ऐसा मुसलमान हूँ जो नमाज़ नहीं पढ़ता हूँ, या ये करता हूँ या वो करता हूँ, या मैं ग़ैब पे ईमान नहीं लाता हूँ, या मैं नहीं मानता कि फरिश्ते होते हैं, या डे ऑफ जजमेंट है, या हेयर आफ्टर को नहीं मानता हूँ। वो आप क्लियर करें पहले, उसके बाद फिर आप तकरीर दें। तो फिर क्या होगा कि बहुत सारे ऑडियंस फिर आपकी इस वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये इन चीज़ों को नहीं मानते। तो इसको क्लियर रखना ज़रूरी है, ये एक आपके रेफरेंस के लिए। और मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर सकता हूँ इस्लाम की काफ़ी चीज़ों को। उसका रीज़न ये था कि जब मैंने इस बाहर निकलने के बाद जब मैंने आके मैंने कहा मुझे पढ़ना है, पहले मुझे समझना है बोला क्या है, हो क्या रहा है ये आसपास। तो जब मैं तब आया, वापस आया और मैंने पढ़नी शुरू करी किताबें, लोगों से पूछ के चाहिए बताओ वो बताओ फलाना ढिमकाना, एक सोच बनने के बाद मैं समझ पाया कि ओ ये कैसे एक कोडेड चीज है, क्योंकि कविता के रूप में लिखा है तो कोई भी धर्म ग्रंथ जो है वो कोडेड ही हो जाता है। उसको डिकोड करने के वो तरीके भी हैं जो आधे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, आधे ज्यादा एक्चुअली, और उसको डिकोड करने का तरीका वैसा भी है जैसे आप माइथोलॉजी को डिकोड करते हो। हाँ, उसमें से अच्छी चीजें आप लो कि लाइफ के बारे में ये बोल रहे थे। हाँ। तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग बनता है एक टेक्स्ट के साथ कि भाई ये ऐसा है। मेरा कहना यह है कि भाई आप जो है ना, जब आप अपने
आप जब अपने बयानात कर रहे हैं, आप जब नमाज से पहले बयान कर रहे हैं, आप उसमें पढ़े लिख की बातें करो ना। रीजंस का जानना अच्छी बात है, लेकिन रीजंस का जानना जो हम मुस्लिम्स फॉलो करते हैं, अगर कोई बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है और चूंकि वो नबी हैं और आखिरी नबी हैं, तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन नहीं करते हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। जैसे नमाज़ पढ़ने का हुक्म है, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ने का हुक्म है, तो हम उसको नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि कहा गया है। अब आप कहेंगे कि नमाज़ के हेल्थ बेनिफिट ये हैं, नमाज से ये फ़ायदा होता है, ऐसा होता है, या नमाज से ये नुकसान है, वो नुकसान है, तो हमारे लिए कंसर्न नहीं है, चूँकि हमें कहा गया है नमाज़ पढ़ने के लिए, इसलिए हम नमाज़ पढ़ते हैं। इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं, और ना हम इस चीज़ को कंपेयर करते हैं। कुछ लोग नमाज़ को कहते हैं नमाज़ ऐसा है, वो योगा की तरह है, तो योगा, तो जो लोग ऐसी बात करते हैं ना तो उनको योगा के बारे में पता है ना तो उनको नमाज़ के बारे में पता है। योगा का अलग बेनिफिट है, उसके अलग ऑब्जेक्टिव है, नमाज़ के अलग ऑब्जेक्टिव है, नमाज़ का अलग बेनिफिट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुरान शरीफ की आयत है कि गैब पे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और अपने पैसे जो हैं उसको खर्च करते हैं सोशल बेनिफिट के लिए। तो नमाज का कायम करना ये कुरान का हुक्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में है, और ये इस्लाम और कुफ्र के दरमियान का एक दीवार है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप ओपनली बाय एक्शंस ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई मैं कुरान की इस बात को नहीं मानता हूँ। तो या तो आप ऐसे मुसलमान हैं जो कुरान को फॉलो करते हैं, या एक ऐसे मुसलमान हैं जो अपने आप को फॉलो करते हैं। अगर आप अपने आप को फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं, लेकिन कुरान के अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो आपको समझनी चाहिए। आप आदमी को ये समझाओ ना कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, कैसे एक बेहतर लाइफ की तरफ बढ़ना है। बेहतर लाइफ में आपका बदन आता है, आपकी आँखें, आप आते हो, आपका समाज आता है, आपको वहाँ से आपको ट्रेन करना शुरू करना है ना। आप यहाँ पे एक आदमी आके बैठा, उसको सीधे कनेक्ट कर दिया कहीं रैंडम जगह, उसे पता भी नहीं कि आपने मुझे कहाँ कनेक्ट कर दिया। एक कुछ वो सोच के कि हाँ कुछ होता है, फिर वो आदमी कि भाई ये तो लाइफ का पैटर्न है कि मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे रोजे रखने हैं, तो आधा आदमी तो भूखा है रोजे में, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो मोटे तौर पे मतलब वही कर्मकांड हो गया है, कर्मकांड हो गया, रिचुअल बन गया है बेसिकली सब कुछ। आप ये नहीं समझ रहे कि उसका रीजन क्या था, क्यों करा गया होगा। देखिए, हर एक बच्चे की ट्रेनिंग होती है और उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है। तो ये बात मैं भी मानता हूँ कि एक हद तक जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है वो कॉमन होनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, सबके लिए कॉमन होना चाहिए। और लेकिन अगर आप किसी को हाफिज़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अर्ली चाइल्डहुड से उसकी ट्रेनिंग वैसी कराई जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो हाफिज़ है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त शाहिद जमाल है, मेरा क्लासमेट था, तो शायद मुझे जहाँ तक याद है सिक्स क्लास से उसने हिफ्ज़ करना शुरू किया था, और माशाल्लाह हाफिज़ है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट भी है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही सब्जेक्टिव हैं। जब फिर बताना चाहूँगा, ये चीज़ें कॉमन नहीं है मुसलमानों के अंदर कि भाई सिर्फ हाफिज़ बना दिया या सिर्फ इमाम बना दिया। ये चीज़ कॉमन उन लोगों के पास है जिनके पास ज़राए नहीं है, वसाइल नहीं है। अब मदरसों में देखिए, गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्यों गरीब पढ़ने जाते हैं? अब उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। और हमारे इंडिया में जो स्कूल की हालत है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सारी मतलब काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हुई हैं। NDTV के अंदर जो है रवीश की रिपोर्ट है काफ़ी सारी, जहाँ पे उन्होंने बैंक एम्प्लॉइज़ के बारे में बात करी है, स्कूल के बारे में बात करी है, रेलवेज़ के बारे में बात करी है। वहाँ देखिए क्या प्रॉब्लम्स है। अगर वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं तो इंशाल्लाह हाफिज़ जो बच्चे हिफ्ज़ करने जाते हैं वो वाली भी पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे आपको ये स्टीरियोटाइप करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुसलमान ऐसा सोचते हैं कि इसको सिर्फ हाफिज़ बनाना है, ये करना है। मेरे खुद चचा मरहूम जो है पर्शियन के स्कॉलर थे, डॉक्टर नूर इस्लाम सिद्दीकी साहब, वो हाफिज़ कुरान भी थे, हिफ्ज़ किया उन्होंने पहले, फिर उन्होंने BA किया, फिर उन्होंने MA किया, फिर उन्होंने PhD किया, उन्होंने बड़ी सारी किताबें लिखी, जगह जगह गए, कॉन्फ्रेंसेस की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, फिर जामिया में उनकी नौकरी लगी और काफ़ी सीनियर पोजीशन पे थे। तो आप ये जो कह रहे हैं कि भाई कि ऐसा होता है, वो ऐसा नहीं है, और प्लस आप ये भी कह रहे हैं कि वो रटते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो खैर ये एक ऐसा पॉइंट है, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा अभी।
क्या वक्त था, कैसे क्या चीज़ पनपी, क्या डेवलप हुई, उन सबको दरकिनार करके आपने वो बना दिया। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि आप जो किसी तरह से, अरे इसकी याददाश्त अच्छी है, इसे ना हाफिज बना दो, हाफिज मतलब जिसको कुरान याद होता है पूरा, वो इमाम बनते हैं। तो उसके बाद एक आलिम बनने के लिए एक और कोर्स होता है, वो करते हैं आप, 11 साल पढ़ते हैं तो आप आलिम बन जाते हैं, आपको हदीस शरीयत भी पता होती है, जो भी सब दुनियादारी। तो अब बात यह है कि आपने याददाश्त अच्छी में डाल रखा है, ठीक है, आप जो बच्चे का प्राइम है मेंटल ब्रेन डेवलपमेंट का, उस टाइम पे आप उसे बस आपने लगा दिया है कि वो रट ले, मतलब उन्हें पता नहीं होते। अगर आप बचपन में, आपको मुझे नहीं मालूम आपने आपकी स्ट्रीम की याद रही होगी, लेकिन हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है, जैसे 2+3=5 होता है, या बोर्ड मास है, उसके आगे फिर हमने अलजबरा पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, डिफरेंट डिफरेंट जो है ज्योमेट्रिक इक्वेशंस को पढ़ा है। तो अगर आप एक हाई स्कूल के बच्चे से अगर ये आप एक्सपेक्ट करें कि आप, या सेकेंडरी स्कूल के बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि भाई डिफरेंशियल कैलकुलस है, अब डिफरेंशियल कैलकुलस क्यों है और कैसे है, डी बाई डी एक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसकी ज़िंदगी में रिलेवेंस क्या है ना, या आप सीरीज़ हैं, फोरियर सीरीज़ है, प्रमोशन कम्बिनेशन है, अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे उसको बिल्कुल समझ में आ जाए, ये इम्पॉसिबल सी बात है। कोई बच्चा समझ ले बहुत अच्छी बात है, मतलब कुछ बच्चे जहीन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को वो चीज़ समझाई जाती है कि इसको करना कैसे। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स आते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं नंबर सिस्टम पे, एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है, क्यों होता है। अब एक बच्चा सवाल करे तो आप उसका जवाब देंगे, अपने हिसाब से देंगे, लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे बच्चों को पता होता है, नहीं पता होता है। हाँ, लेकिन जब वो आगे पढ़ते हैं और इस चीज़ पे समझते हैं, रिसर्च करते हैं, तो पता चलता है। उसी तरह दीन की तालीम भी है। दीन की तालीम में क्या होता है कि बच्चों को पहले किस चीज़ें मेमोराइज कराई जाती है, मेमोराइजेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री में, आपको पता है फिटनेस कितनी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, तो जिस तरह फिटनेस के लिए आप कार्डियो करते हैं, है ना, रनिंग करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि आपका बदन वार्म अप हो सके, आपके मसल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर खून का दौरान बढ़े, तो उससे क्या होता है, आपका बदन प्रिपेयर होता है बाकी सारी एक्सरसाइज करने के लिए। उसी तरह रीडिंग, मेमोराइजेशन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके दिमाग को डेवलप किया जाता है। अगर आप मेमोराइजेशन कैपेबिलिटी आपके अंदर नहीं है, तो आप एक बहुत ही अच्छा, मतलब मैं आपको एक बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि आपके अंदर फोकस की कमी रहेगी हमेशा ज़िंदगी के अंदर, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, ज़रूरी नहीं कि मेमोराइजेशन ही हो, लेकिन जो हाँ तक पढ़ने की बात है, रीडिंग की बात है, उसकी भी हैबिट होनी ज़रूरी है। तो जो अर्ली जो इस्लामिक टीचिंग्स होती हैं, उसमें रीडिंग कराई जाती है, तलफ़ुज़ सही किया जाता है आपको। जैसे आपने पिछले वीडियो में जो है बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया जो है वलद दौलिन को, ज़ुआद और दुआद, जैसे आपको नहीं पता है, मुझे लगता है जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया है, आपको खुद नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा नहीं है, है ना। तो वो सब चीज़ें सही कराई जाती हैं, तो आपको वो पूरा प्रोसेस समझने की ज़रूरत है। किसी मदरसे में जाइए, देखिए कि वहाँ पे दौर कैसे चलता है कुरान शरीफ याद करने का, तो आपको फिर ये चीज़ें गालिबन समझ में आएंगी। आधे आजादों को कि इसका मतलब क्या है, अरबिक में है, इसका हिंदी में इसका मीनिंग क्या निकलेगा, ये बात उन्हें पता नहीं है। अब हो ये रहा है कि उनको भी याद हो गया, कहीं से उन्होंने उसके बाद कहीं किसी ने तर्जुमा बता दिया, तो जो एक तर्जुमा सा बता दिया वो मान के चल रहे हैं अब यही परम सत्य है। फिर ये बात स्पेसिफिक है इन सम प्लेसेस, ऐसा नहीं है आप, मैं जितने इमाम को जानता हूँ, ज़्यादातर इमाम इंडिया के अंदर भी बहुत सारे मस्जिदें में हैं, वहाँ पे जितने इमाम हैं तो जानते हैं अरबिक का मतलब क्या है। जैसे मैं इमाम नहीं हूँ, मैं एक सिंपल, मैंने इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैंने कुरान मेमोराइज़ किया बहुत सारा चैप्टर को, बहुत सारा तो नहीं लेकिन कुछ चैप्टर्स को मैंने मेमोराइज़ किया, और मैंने कुरान पढ़ा है कवर टू कवर। तो जब आप कुरान पढ़ते हैं, अगर आप उर्दू लैंग्वेज से वाकिफ़ हैं, जो कि इंडिया में ज़्यादातर मुसलमान वाकिफ़ हैं, तो आप मतलब निकाल लेते हैं, मतलब आपको समझ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या है ना। आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो वो कन्फर्म चीज़ें हो जाती हैं, जैसे अलहमद है मतलब तारीफ़ होती है, हमद मतलब तारीफ़ है, रब्बिल आलमीन, आलमीन दुनिया को कहते हैं, मतलब ये दुनिया और आखिरत की दुनिया। तो अब इसमें अगर आप ये कहते हैं कि सारे जो इमाम होते हैं उनको पता नहीं होता है, फिर ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, बहुत ही आपके पूरे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा जनरलाइजेशन है चीज़ों के बारे में, जिसको आपको स्पेसिफिक रखना चाहिए, है ना। और जब आप जनरलाइज बातें कर रहे हैं, वो बातें करिए जो कि कुरान में लिखी हैं और हदीस में बताई गई हैं।
अब वो ये बात ही नहीं समझ पा रहे कि भाई जब ये लाइन यहाँ आती है, वो लाइन वहाँ आती है, इसका मीनिंग कुछ अलग निकल सकता है, इसको ऐसे करा जा सकता है. अब उन्हें पता ही नहीं है. वो बन गए लीडर, क्योंकि रिलीजियस तौर पे यही समझाया जाता है ना कि जो रिलीजियस लीडर है वही आपका लीडर होगा. ऐसा नहीं समझाया जाता है, ना तो कुरान शरीफ में ऐसी बात है, ना हदीस में, कि भाई जो जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वही लीडर हो सकते हैं. आप हिस्ट्री देख लीजिए उठा के, उसमें कभी ऐसा नहीं रहा है कि जो रिलीजियस लीडर हैं वही लीडर बने हैं. और ऐसा भी नहीं है कि लोग आयत जो पढ़ते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं. अगर आप ये कहने कि इस आयत का मतलब यहाँ पे है, उसका वहाँ पे है, तो मिलाने के से क्या होता है? ऐसे नहीं मिलाया जाता है आयत को. हर एक जो चैप्टर है, सूरह है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है ना. कॉन्टेक्स्ट कहते हैं द टेक्स्ट विच गोज विद द टेक्स्ट, जो किस वजह से वो आयत उतारी गई है, उसको उर्दू में कहते हैं शान नज़ूल क्या है ना. तो शान नज़ूल जो है, जितने इमाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता होता है. जैसे सूरह अव्वल असर है, या तब्बत यदा अबी लहब मुतब है, या इन्ना अतैनाकल कौसर है, तो इनके बारे में उनको पता होता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका शान नज़ूल क्या है, वो सारी चीज़ें पता होती हैं. ये शायद आपको नहीं पता है, या आप कुछ एक दो ऐसे इमाम से मिले हैं जिनको लगता है कि जिनको नहीं पता होगा. हो सकता है एक का दुख ऐसे इमाम हो, लेकिन ओवरऑल सबको पता होता है ये सब चीज़ें. और जब आप ऐसी बातें करें तो आप एग्ज़ाम्पल दें कि भाई मैं इनसे मिला था और उन्होंने ऐसा कहा था. नहीं तो आपकी इस वजह इससे ये तासुर पैदा होता है कि ये इमाम है, इनको पता ही नहीं होता है. तो अब मोहल्ले में जो वहाँ के इमाम ने बोल दी बात, वो पत्थर की लकीर है. सब कुरान शरीफ में फलाने के ऐसे ऐसे बोल दिए. अब आयत किसको याद है? बाकी आदमी को थोड़ी आयतें याद है. उन्होंने बोल दिया कि भाई इस वाले उसमें कुरान में ये वाली आयत आती है, आदमी ने मान लिया कि भाई आती होगी. वो सही पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है ये भी नहीं पता, पर मैं कह रहा हूँ सही पढ़ रहे होंगे. पॉइंट ये है कि आपका जो लीडर बनाया आपने, उसी आदमी के पास एजुकेशन की और नॉलेज की कमी है. तो अब कैसे आपकी सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस करेगी? बिल्कुल गलत बात है. सोसाइटी प्रोग्रेस कर रिलीजियस लीडर की वजह से प्रोग्रेस नहीं करती. और कोई भी मुसलमान एक रिलीजियस लीडर को अपना, मतलब रिलीजियस स्कॉलर को अपना लीडर नहीं बनाता है. रिलीजियस स्कॉलर जो है एक रिलीजन की बात करते हैं, और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हर एक मुसलमान के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है. उनसे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, और जो इमाम होते हैं ये उनकी बात बताते हैं. ये सोसाइटी को सही करना और ये करना वो करना जिम्मेदारी सब पे है, मेरे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है, लीडर्स के ऊपर भी है. लेकिन जो सोसाइटी को सही करना है, इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे होती है और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे होती है. अगर आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेटाइज कर देंगे, सारी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, एक रेस होती है, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ की रेस होती है कि कितना पैसा कमा सकते हैं. तो वहाँ पे इस वजह से लोग डेवलप होंगे कि जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा. लेकिन अगर आप इसका ज़िम्मेदार मुसलमानों को बना दें, ये इसका एग्ज़ाम्पल वही है कि भाई आप उस पौधे को ज़िम्मेदार बना रहे हैं जिसको ना तो खाद दी गई, ना मिट्टी दी गई, ना पानी दिया गया. तो ये जो चीज़ें हैं ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि लोगों को मुहैया कराई जाएंगी, तो खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगे. इसमें मुसलमान भी शामिल हैं और गैर मुस्लिम भी शामिल हैं. तो इस तरह की बातों से एक स्टीरियोटाइप डेवलप होता है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए. आपको सिंपल बात करनी चाहिए कि ये एक एरिया है, ओखला एरिया है, यहाँ पे क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. आप देखिए वहाँ पे कितने स्कूल हैं, किस तरह से चल रहे हैं, पॉपुलेशन वहाँ पे कितनी है, कितनी वहाँ पे अस्पताल होना चाहिए, क्या होना चाहिए. वो एक जिम्मेदार स्टेप है, स्ट्रेटजी है, जिससे लोगों का डेवलपमेंट होगा.